तुम छोड़ दो। हरि बोल हरि कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। बंद कर दो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कद आज एक विशेष दिन है। कद आज का दिन हमारी गौड़ीय संप्रदाय के रक्षक कद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज तिरुभाव तिथि है। इसलिए कदि श्री भक्ति विनोद ठाकुर कदि ये कौन है कदि इनको बताया ये सप्तम गोस्वामी है। क्या बताया? कदि ये सप्तम गोस्वामी। लेकिन हम जानते हैं गोस्वामी छह ही है, लेकिन केवल श्री भक्ति विनोद ठाकुर को ही ये सप्तम गोस्वामी बताए गए। बोले क्यों? बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने ये छह गोस्वामी को जो जो आदेश दिया था इन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने वो आदेश को उन्होंने पालन किया है। महाप्रभु का क्या क्या आदेश था? महाप्रभु का एक आदेश था जो लुप्त विग्रह है कहते ये लुप्त विग्रहों को पुनः प्रकाश करो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी जगत में आ करके इन्होंने बहुत सारे स्थानों में इन्होंने विग्रहों को भी उन्होंने प्रकाशित किया है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर को बताया जाता है ये भक्ति जगत का भगीरथ। भक्ति जगत का भगीरथ मतलब जैसे श्री भगीरथ महाराज ने ये गंगा को जगत में अवतीर्ण उन्होंने किया है, हैं? कहते गंगा को उन्होंने जगत में अवतीर्ण किया है, उसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति रूपी गंगा को उन्होंने जगत में अवतीर्ण किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर आने से पहले कद हर समय भक्ति जगत में एक जुहार भट्टा चलती रहती है। जुहार मतलब होता है पानी जब उभरती है, भट्टा मतलब है जब पानी धीरे 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 पानी घटती जाती है।
ये भक्ति जगत में करी करी समय समय पर कहते विशेष करके 3 पीढ़ी तक ये शुद्ध भक्ति की धारा वो सही रहती है, लेकिन 3 पीढ़ियों के बाद में फिर धीरे 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 भक्ति धीरे 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 घटना शुरू हो जाती है। फिर महाप्रभु की इच्छा से इसी जगत में फिर कोई एक महापुरुष जगत में आते हैं और आ करके फिर ये भक्ति धारा को पुनः जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने पूरा तो भक्ति धारा को उन्होंने पूरा हरा भरा महाप्रभु ने कर दिया, क्योंकि महाप्रभु जब इसी जगत में आए वो अकेले महाप्रभु नहीं आए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदसियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम कई बार दान सिताए शरणागति श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहवतरी। महाप्रभु पूरा गोलोक वृंदावन को राधा रानी के निकुंज मंदिर को जगत में प्रकट कर दिया। महाप्रभु को साथ में जितने उनकी परिकर है आज से गदाधर पंडित का भी आज दीर्भाव है, इसलिए गदाधर पंडित कौन है, कहते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी। और श्री बलदेव प्रभु कहते श्री नित्यानंद प्रभु रूप में आई, सदा श्री महाविष्णु कहते श्री अद्वैत आचार्य रूप में आई, और नारद जी श्री श्रीवास रूप में श्री नारद आए। इसलिए ये पंचतत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। इसलिए भगवान पूरा के पूरा धाम सहित साथ में आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे प्रेम बन्या को उन्होंने ऐसे डुबा बहाया है, ये प्रेम बन्या को उन्होंने ऐसे बहाया जगत में, इसलिए पूरा के पूरा ये दुनिया को उन्होंने प्रेम बन्या में पूरा के पूरा डुबो दिया है, पूरा के पूरा दुनिया को उन्होंने भक्ति धारा में डुबो दिया। लेकिन फिर धीरे 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 जब महाप्रभु चले गए फिर ये धीरे 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 कहाँ तक आए, पहले महाप्रभु आए, फिर स्वरूप दामोदर राय रामानंद षड़ गोस्वामी आए, फिर उनको बाद में कौन आए, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए, फिर भक्ति धारा को उन्होंने हैं जीव गोस्वामी के अनुगत्य में इन्होंने फिर 3 दिशाओं में उनको तीनों को भेजा, एक को भेजा मणिपुर में नरोत्तम दास ठाकुर को, एक को भेजा श्यामानंद प्रभु को भेजा हमारे उड़ीसा में हैं, हम लोग श्यामानंद प्रभु का बहुत ऋणी है, इन्होंने ही आकर के हमारे उड़ीसा में महाप्रभु को धारा को पुनः उन्होंने सिंचन किया। फिर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को बंगाल का तरफ में भेजे, उसको बाद में और कौन आए, फिर 2 व्यक्ति आए, कहते एक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण प्रभु, फिर ये दोनों आए, फिर इन्होंने दोनों आ करके फिर ये भक्ति धारा को उन्होंने ठीक रूप में उन्होंने चलाया। जब ये लोग चले गए फिर धीरे 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 जगत में ये आउल बाउल नेड़ा नेड़ी दरबेसाई सखी बेकी और चूड़ाधारी गौरांग नागरी कहती 13 संप्रदाय आ गया। इसलिए तोता बोले यही 13 संघ नहीं करे हैं, इसलिए तोताराम कहते हैं ये 13 का संघ को हमें वर्जित करनी चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण रूप में अपसंप्रदाय। उसी समय में जो साधु का नाम सुनते थे महाप्रभु धारा में क्या करते थे, लाल कापड़ पहने हुए बाबा जी और माता जी हैं, दोनों बाबा जी माता जी तिलक कंठी और लाल कापड़ पहने हुए महाप्रभु को धारा में गुटखा खाते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, गंजा फूंकते थे हैं, इसलिए मांस मछली खाते थे और तिलक लगा करके, अभी भी बंगाल में तिलक लगा कर गले में कंठी, वाह बोले भाई कितना बड़े वैष्णव है, देखोगे मांस मछली की धुआं उड़ रहा है। इसलिए जब महाप्रभु का भक्त का नाम सुनते थे नाक सिकुड़ाया करते, बोले ये महाप्रभु का भक्ति, नेड़ा नेड़ी है बाबा जी माता जी दल, ये सब महाप्रभु का दल यही है, नाक सिकुड़ाया करते थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, इनको क्या बताया गया,
भक्ति जगत का भगीरथ। क्यों भगीरथ क्यों बताया गया? जैसे जगत में जो भगीरथ ने ये जो गंगा को लाए ना, ऐसे नहीं लाए। जब इनका पूर्वज लोग सगर महाराज के जो बेटा 10,000 कपिल मुनि के अभिशाप से सबके सब जल करके राख हो गए थे, दिल्ली पे आए, अंशुमान आए, उसी राजा की परंपरा में कोई गंगा को नहीं ला पाए, लेकिन भगीरथ ने गंगा को लाए। बड़ा कठोर परिश्रम करके, कठोर साधन भजन किया और गंगा को प्रसन्न करते हुए गंगा को लाए। लेकिन गंगा को तो लाए, फिर क्या हुआ? शंकर जी की जटा में ही समा गया। फिर शंकर जी को फिर तपस्या करके संतुष्ट की। फिर शंकर जी एक दिया धारा को, लेकिन लाते लाते फिर जब नवद्वीप में आए, श्री जन्नु मुनि ने पूरा के पूरा उन्होंने पानी को पी लिया, फिर उनको प्रसन्न किया, उनने जानू को फाड़े। फिर गंगा गई तो जाकर गंगा सागर में जब वहीं पर गई, वहीं पर श्री सगर महाराज के जो 10,000 संतान कपिल मुनि अभिशाप से पता नहीं कितने लाखों साल पहले जल करके एकदम राख हो गए, तो कोई नाम निशाना नहीं था, लेकिन गंगा जब उसको प्रवाहित होते हुए गई, गंगा सागर में उनकी उद्धार हो गई। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति की भगीरथ इसलिए बताया जाता है, जैसे भगीरथ ने बड़े कष्ट से गंगा को जगत में अवतीर्ण किए, भक्ति विनोद ठाकुर भी ये भक्ति धारा को इतना कठिन से उन्होंने लाए, बड़े लोगों से संघर्ष करते हुए, लोग से लड़ाई झगड़ा करते हुए, महाप्रभु जो भक्ति धारा को भक्ति विनोद ठाकुर लाए, बड़े लड़ाई झगड़ा करते हुए बड़े कठिन से लाए हैं। इसलिए उसी समय हमारे उड़ीसा में, उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर उसी समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और भक्ति करते थे। इसलिए हमारे उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक विशिकेशन नाम का कोई एक योगी था, वो बोलता था मैं महाविष्णु का अवतार है, जैसे कृष्ण रास किया था गोपियों के साथ में, मैं भी रास करूँगा। और हमारे भारतीय लोग बड़े सीधा साधे हैं, अब विशेष करके हमारे उड़ीसा का जो लोग है वो बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भक्ति को इनका बड़ी विश्वास है, भक्ति में इनकी बड़ी विश्वास, बड़े सरल लोग हैं। इसलिए जैसे कुछ दिन पहले सारथी बाबा आए थे, भगवान बोलते थे बस सब सारथी बाबा का भक्त बन गए हैं, भगवान ये भगवान सारथी भगवान हैं। इसलिए कोई थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि वैभव देख लेना, बाद उसको पीछे भागना शुरू कर देते हैं, इधर आगे पीछे कुछ देखते नहीं हैं। इसलिए उसी समय में उसने कहा मैं रास करूंगा, कृष्ण जैसे रास रचाया था। और जितने गांव के हैं, जितने माताएं विशेष करके सब, अगर थोड़ी सी कुछ देखा है ना, बस भागना शुरू कर देते हैं, है माताएं सबके सब बोले हम रास करेंगे। इसलिए उन्होंने सब घर में नौता दे दिया, गांव में जितने माताएं थी ना लड़कियां, बोले नौता दे दिया सबके सब, पूर्णिमा का रात में आना। अभी सब डर गए, डरते हुए पुलिस जो ऑफिसर को पास में पहुंचा खबर, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने देखा भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, भक्ति में संपूर्ण रूप में भक्ति सिद्धांत में पारंगत थे, ये दायित्व तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को ऊपर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कोई चिंता मत करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना साथ में कुछ पुलिस योग साथ में ले गए और साथ में कैंची ले गए थे हैं, बोले उनको भक्ति विनोद ठाकुर समझाने के लिए कोशिश किया, बोले देखो आपके पास में कुछ योग सिद्धि है, कुछ चमत्कारिता, जैसे सारथी बाबा दिखाता था, बोले कुछ तुम्हारे पास में चमत्कारिता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं तुम जगन्नाथ बन गए, तुम भगवान कृष्ण बन गए इसका मतलब नहीं, अपना तक उसको सीमित रखो, अपना साधन भजन करो और अपना चुपचाप रहो, और ये उत्पटांग मत किया करो, रास करूंगा मैं भगवान कृष्ण हूँ। इतने में ही भक्ति विनोद ठाकुर को उल्टा पुल्टा बोलने लग गया हैं, उल्टा पुल्टा। भक्ति विनोद ठाकुर जब बोले, भक्ति विनोद ठाकुर ने साथ में पुलिस ले गए थे, बोले उसका सारी जटाओं को काट दो, बड़ी बड़ी जटाई थी उसको हैं, और उन्हें जब काटने के लिए गए ना, ऐसे करने लग गया और जटा से आग की चिनकार निकले हैं, आग की चिनकार निकलना शुरू कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर पता है ये रिद्धि सिद्धियों का कुछ चमत्कारिता होता है, उन्होंने जोर जबरदस्ती कैंची लेकर के उसको सारे जटाओं को उन्होंने काट दिया, बोले बंदी बनाओ इसको, जेल में डाल दो। उसी समय हमारे उड़ीसा का लोग धर्म प्रिय है, बोले नहीं उसको छोड़ दो। भक्ति विनोद ठाकुर बोले नहीं,
तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो माफी नहीं मांगता है। अपना भगवान कहना जब भूल जाए तब छोड़ूंगा, लेकिन बोले तुमको दिखा दूंगा जो का प्रभाव है। बोले जाओ अपना घर में जा करके देखो, सचमुच से भक्ति विनोद ठाकुर आ करके देखा है ना, उनका परिवार सब बीमारी में पड़ेगा। और हम लोग होते हैं ना, भाई भैया छोड़ दो इसको, हमारा परिवार बीमारी में पड़ गए। उनको पता कुछ रिद्धि सिद्धि का चमत्कारिता, सबको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और बाद में सही हो गए। और कुछ दिन बाद में वो खाया पिया नहीं कुछ, और कुछ दिन बाद में जेल में ही शरीर छोड़ दिया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भक्ति धारा को लाने के लिए लोगों को साथ में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्ति धारा को जगत में लाए और जगत में उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। इसलिए जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो जा रहे थे, पहले मैं वृंदावन में भजन करने के लिए जाऊंगा, जब जा रहे थे ना इतने में आकाशवाणी हुई है बंगाल में एक शंकर जी, क्या नाम है, कोई शंकर जी। इसलिए वो शंकर जी भक्ति विनोद ठाकुर को बोले, भक्ति विनोद ठाकुर जी आप वृंदावन मत जाया करो, क्योंकि जो वृंदावन को प्रकाश गोस्वामियों ने ये वृंदावन को प्रकाश किया है, आप श्री महाप्रभु का धाम को आप प्रकाश करो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर नाम गौर धाम और उन्होंने गौर काम को उन्होंने किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हम लोग जाते हैं ना स्वानंद सुखद कुंज नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर भजन करते थे। इसलिए एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर छत के ऊपर बैठ करके हरिनाम कर रहे थे और उन्होंने रात को कितना बजे सोते थे, 8 बजे सो जाते थे और उठते थे 12 बजे उठ जाते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पर बैठ करके जैव धर्म और जितने सारे ग्रंथों को रात भर ग्रंथ लिखते थे और हरिनाम करते, 3 लाख हरिनाम करते थे। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर बैठ करके हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम करते करते उन्होंने मायापुर का तरफ में देखा, बहुत बड़ा एक अग्निपुंज है, बहुत बड़ा एक अग्निपुंज। तो उन्होंने देखा ये अग्नि कहाँ से दिख रहा है, तो उन्होंने नजर लगा कर देखा हाँ उधर है। तो उन्होंने सवेरे गए, जब सवेरे गए तो उन्होंने जा करके देखा, इधर उधर देखा, उनको कुछ भी नहीं दिखा। फिर उन्होंने वापस आ गए, फिर उन्होंने जब दूसरे दिन फिर भजन कर रहे थे फिर वही देखा, फिर बहुत बड़ा एक अग्नि लाइट देखा। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा ये स्थान कहाँ पर, देखा एक बहुत बड़ा ताल का पेड़ है, हैं? वो पेड़ को लक्ष्य करके जब दूसरे दिन उन्होंने गए, उन्होंने देखा वहाँ पर केवल तुलसी बगीचा, केवल तुलसी बगीचा और कुछ है नहीं वहाँ पर। तब उन्होंने वहाँ पर मुसलमान लोग कुछ को देखा है, उन लोगों ने मायापुर का नाम रख दिया था मियापुर, जैसे अभी इलाहाबाद है, इलाहाबाद और अलीगढ़ मोमिनाबाद मथुरा को उन लोगों ने जब मुसलमान पीरियड था सब के सब नाम को बदला करके उन्होंने मुसलमान नाम रख दिया, इसलिए मायापुर का नाम रख दिया मियापुर है। इसलिए तब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा यहाँ पर उन्होंने देखा था तुलसी पेड़, केवल तुलसी पेड़ है, बोले ये केवल ये तुलसी तुलसी पेड़ क्यों है। बोले बाबा हम यहाँ पर कोई भी वृक्ष लगाते हैं, कोई भी बीज बोते हैं, लेकिन वहाँ से केवल तुलसी तुलसी वृक्ष निकलता है। भक्त विनोद ठाकुर समझ गए ये वृंदावन गुप्त वृंदावन है, वृंदावन मतलब क्या, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन है नित्य गुप्त वृंदावन, अध्याय गुप्त वृंदावन। बोले बाबा हम रात को यहाँ पर डर से नहीं आते हैं। बोले क्यों, बोले रात में यहाँ भूत आते हैं और रात भर यहाँ पर हई 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 करते रहते हैं, है? इसलिए हई हई करते रहते हैं, मतलब भक्त विनोद ठाकुर समझ गए वो भूत नहीं हई हई मतलब है, अद्यापि वो सैलीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार बार। अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अभी भी महाप्रभु यहाँ नित्य लीला करते हैं, लेकिन हई हई नहीं करते, हरि बोल हरि बोल पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी भी महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर लीला करते हैं, लेकिन ये मुसलमान लोग समझ नहीं पाते। फिर उन्होंने विदेश से मैप को मंगाया और सब चीज को अच्छे तरह से देखा। फिर उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेकर गए, जब वहीं पर लेकर गए ना
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को उनका एक सेवक था बिहारी, जब उन्हें झूड़ी से नीचे उतारे, एकदम 100 साल से ज़्यादा उम्र था और एकदम कमर उनकी टेढ़ी हो गई थी, और वहीं पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, कहते 5-6 हाथ उन्होंने छलांग लगा लगा करके नाचने लग गए, बोले यही मेरी गौर हरी, सचिनंदन गौर हरी का यही जन्म स्थान है, हैं? वहीं पर जब भित्ति खनन की गई, जगन्नाथ हैं श्री जगन्नाथ दास महाप्रभु के जो पिताजी, जो सालक, जो अध्यक्ष जो मूर्ति को पूजा करते थे, वहीं से वो मूर्ति निकली। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ही फिर उन्होंने धाम को प्रकाश किया। अरे विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर एक चीज हमें दे कर गए, क्या देकर गए बताओ, क्या देकर गए? प्रभुपाद। हाँ, इसलिए कहते हैं फलेना परिचयते, इसका मतलब है एक वृक्ष की महत्व हम कब देते हैं, फल से। अगर घर को सामने अगर कोई कांटा की पेड़ हो ना, ले काट दो उसको, बोले क्यों, कोई फल नहीं देगा। लेकिन कोई एप्पल का पेड़ हो, कोई चीकू का पेड़ हो, अंगूर का पेड़ हो, है अमृत का पेड़ हो, बोले भैया इस पर रखो, इसका पानी दो, क्यों, ये फल देगा। उसी तरह वृक्ष का जो महत्व है फल से, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे एक दिव्य फल देकर गए, वो है भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते, अभी जो हम बैठ करके यहाँ पर हरि कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तिलक लगाए, गले में कंठी माला और थोड़ी सी हरिनाम करने के लिए केवल प्रचेष्टा जो कर रहे थे ना, ये असंभव था। केवल प्रभुपाद के लिए आज हम भजन कर रहे हैं। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी थे आछे चौथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना, एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण पृथ्वी में कण कण में गली गलियों में क्या होगा, महाप्रभु का नाम गुंजेगा, सुखी है या लोक मर गाय के कीर्ति, सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी जो हम थोड़ी बहुत प्रचेष्टा कर रहे हैं ना, यही महापुरुष का कृपा है, इनका देन है, इसलिए इन्होंने प्रभुपाद रूपी पुत्र को हमें प्रदान किया है। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ने इन्होंने हमारे जो ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ लिखे हैं, एक विशेष ग्रंथ उनका बताओ तो सारे ग्रंथ में, हाँ जैव धर्म ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथों को हमारे गौड़ीय मठ में, इसको गौड़ीय मठ का ये वेद बताया गया। जैसे हर संप्रदाय में है, हर संप्रदाय में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को हैं हर संप्रदाय का लोग मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसी तरह हमारे गौड़ीय मठ में हैं, गौड़ीय वैष्णव में मठ में जो वेद है हमारी, कौन, ये जैव धर्म है। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इन्होंने ये ग्रंथों को बंगला से हिंदी में ट्रांसलेशन किए। गुरुदेव कहते थे मैंने इसको 60 बार पढ़ा है। कितना बार? 60 बार। 60 बार पढ़कर तो मैंने अनुवाद किए। हमारे गुरु जी को कोई भी आप प्रश्न करो, महाराज जी को कोई भी आप प्रश्न करो ना, प्रश्न करने का साथ साथ महाराज जी, जैसे हमें कोई प्रश्न करके हम सोचेंगे ना, भैया ये क्या प्रश्न कर रहा है, इसको उत्तर देने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव कोई भी प्रश्न करो ना, एकदम प्रश्न करने का साथ साथ उत्तर मिलता था। इसलिए महाराज जी कहते थे मैं इतने जल्दी उत्तर कैसे देता हूँ, बोले ये जैव धर्म का कृपा से। अगर ये जैव धर्म को कोई सही समझ लिया, पढ़ लिया ना, कोई भी प्रश्न तुम्हारी हो, कोई भी प्रश्न कोई करे, उसी समय में आप उसकी शंका दूर कर सकते हो, उत्तर उसी समय में दे सकते हो। ऐसे ग्रंथ ये जैव धर्म, वो 3 भाग में विभक्त है, प्रथम मध्यम और अंतिम खंड में, 3 खंड में। इसलिए प्रथम भाग में संबंध तत्व को बताए, जो बीच का जो खंड है अभिधेय तत्व,
और जो अंतिम खंड है प्रयोजन संबंध अभिदय प्रयोजन, उन्होंने ये तीन तत्व उसमें विशेष करके वर्णना की गई। और शरणागति उन्होंने जो लिखा, महाप्रभु का शिक्षा, भागवत मरीचिमाला बहुत, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत अमृत प्रभा भाष्य, इतने ग्रंथ भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रभु का शिक्षा, क्या क्या ग्रंथ उन्होंने नहीं प्रकाशित किया। और उन्होंने प्रकाशित करते हुए जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को, और उनका पीछे जो विमला देवी से प्रार्थना की है, जगन्नाथ जी के शक्ति विमला देवी मुझे ऐसे एक पुत्र रत्न प्रदान करो, भविष्य में महाप्रभु का धारा को जगत में प्रचार और प्रसार कर सके। इसलिए उनकी कृपा से उनका पुत्र पुरी में जन्म हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए विमला देवी का नाम के अनुरूप उनका नाम रखा विमला प्रसाद, उनका नाम रखा था है। इसलिए आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म तिरुभाव तिथि है, ये आज हम सबको ऊपर में कृपा करें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को क्या बताया गया, नम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग बनाए थे। इसलिए गौर शक्ति स्वरूप ही है, इसलिए महाप्रभु का ये शक्ति है। और रूपानुग बरायते, रूपानुग में ये सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए रूपानुग मतलब क्या है, जो रूप गोस्वामी के अनुगत में जो भजन करते हैं। और रूपानुगत का विशेष तो क्या है, कहते इसलिए कृष्ण की तीन तरह के सखियां हैं। कितने तरह के, कौन सा कौन है, कहते एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ, तीन तरह का है। कहते जो स्वपक्ष जो विपक्ष गोपियां हैं, जो केवल कृष्ण को मानने वाले हैं, राधा रानी को नहीं मानने वाले, और जो राधा रानी के सुख में सुने, जो कृष्ण के सुख में सुखी, कृष्ण के दुख में दुखी, कहते ये चंद्रावली पद्मा आदि ये उनको पक्ष में। कुछ ऐसे सखियां जो तटस्थ है, तटस्थ मतलब है जो कृष्ण को भी मानते हैं और जो राधा रानी को भी मानते हैं। कभी ये कौन कौन है, कभी ये ललिता विशाखा आदि सखी है, लेकिन ये मानने पर भी, लेकिन ये राधा जी की तरफ में थोड़ी ज्यादा झुकी हुई है। लेकिन ऐसे कुछ गोपियां हैं जो केवल राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी का दुख में दुखी, और राधा रानी को छोड़कर वो किसी को नहीं जानते हैं। कहते इनको क्या कहते हैं, स्वपक्ष, क्या बोलते हैं, ये स्वपक्ष है। इसलिए इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर है, इसलिए कहते हैं, कहते राधा पद छाड़ी, ये भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन, राधा पद छाड़ी जे जन से जन जे भाव से भाव था के हामी तो राधिका पक्ष पाती सदा कभू नहीं हारी तक, ये भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन है। इसलिए मतलब जो व्यक्ति राधा रानी की पद छोड़ करके भले ही जैसे तैसे रहे, लेकिन भले ही देखो मैं तो केवल श्री राधा रानी के पक्ष में हूँ। इसलिए राधिकार दासी यदि हाय अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल। इसलिए कृष्ण किसको जल्दी से जल्दी मिलते हैं, राधिकार दासी यदि हाय अभिमान, अगर किसी के अंदर में ये अभिमान हो जाए मैं तो राधा रानी की मैं दासी हूँ, है ये श्री भक्तिमान ठाकुर जी का भाव है। इसलिए कृष्ण लीला में ये कमल मंजरी। और आज का दिन श्री गदाधर पंडित जी का आज भी त्रिभाव तिथि है। गदाधर पंडित कौन है, कृष्ण लीला में राधा रानी है, राधा रानी। इसलिए उनकी राधा रानी की इतने महिमा, इतने महिमा राधा रानी की, कृष्ण भी जिनका प्रेम की था नहीं पाते, जीव का भाती ही छोड़ दो है, कहते भगवान कृष्ण भी जिनकी था नहीं पाते हैं। इसलिए कलियुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के सचिनंदन गौर हरि रूप में कलियुग में आई। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की है। इसलिए कृष्ण कलियुग में राधा जी की भाव अंगकांति ये दोनों को लेकर कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आई। और इन्होंने आकर के उन्होंने क्या की, राधा रानी कौन, जो कृष्ण की प्रेम की गुरु है, प्रेम की कृष्णम बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है, राधा रानी, कृष्ण गुरु इसलिए राधा रानी। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जब कल नवद्वीप में थे, उस समय में महाप्रभु साथ में वहां पर रहे, और जो महाप्रभु हैं
कौन सा समय क्या क्या भाव होता था जिसको समझ करके उनको उसी अनुरूप उनकी जो भाव को शिक्षा देते थे। जब उन्होंने फिर आए कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में, गदाधर फिर उन्होंने महाप्रभु के साथ में ले आए और यही पुरी में रहे। और उन्होंने क्या लिया, क्षेत्र सन्यासी। क्या लिया? क्षेत्र सन्यासी मतलब क्या है? क्षेत्र सन्यासी मतलब क्या है? जो कभी ये क्षेत्र छोड़ करके, जैसे पुरी में उन्होंने आए, पुरी में रहे जहाँ पर तोटा गोपीना, लेकिन उन्होंने क्षेत्र सन्यास लिया। ये क्षेत्र छोड़ करके है, पुरी छोड़ करके मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्षेत्र सन्यास क्यों लिया, कारण क्या? बोले कारण है महाप्रभु तो अभी सन्यास ग्रहण करके पुरी में रहेंगे, पुरी छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर मैं क्षेत्र सन्यास लूंगा ना, फिर तो महाप्रभु का संग मिलेगा मेरे को। इसलिए उन्होंने जान बूझ करके उन्होंने ये क्षेत्र सन्यास को ग्रहण किया। कई बार हो किसी गदाधर पंडित तमिज, कई बार हो श्यामानंद, कई बार किसी तमिज, कई बार हो अच्छा ग्यारह से। हाँ, हमारे बीच में एक तमाल कृष्ण प्रभु जी, अभी गदाधर पंडित जी के बारे में थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर इसको बाद में फिर हम भागवत कथा सुनेंगे, ठीक है? बोले श्री गदाधर पंडित की, बोले सचिन नंदन गौर हरि की। रमी अंतर बंदना कर घुमा दो इस तरफ। गुरवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नाम्ने नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द करो कर्मशनाशाय जह्नवापतये नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति श्री गौर भक्तवृंद। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराधितम गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ भक्त वेदांत शिला सिद्ध रूप से महाराज से चरण कमल में आनंद को साष्टांग दंडवत प्रोग्राम पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनकी अहिति कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव सतीर्थ गुरु भक्त वृंद सबकी चरण यथा दंड प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, गुरुवर्ग ने हम जैसे बद्ध जीव के ऊपर कृपा करने के लिए हमको ये तिथि में विरह लीला प्रकट करके हमको इसी तिथि का पालन करने के लिए करने को हमें अवसर मिला है। तो विशेष रूप में गुरुजी तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र अलौकिक लीला के विषय में आलोचना किए, हम थोड़ा गदाधर पंडित के बारे में श्रवण करेंगे। बोले कि भगवान पूर्ण शक्तिमान होने पर भी अकेला उनको वही सारी सारी लीला आस्वादन करने के लिए उनका मन में अभिलाषा उत्पन्न हुआ, क्योंकि अकेला उसको वो उनको वो खुश नहीं मिला, आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो क्या किया, अपने काय को विस्तार किए, जिस कारण
विशेष रूप में बोलते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। यद्यपि कृष्णचंद्र ने विविध अपने परिकरों के साथ लीला विलास किए, फिर भी उसी लीला में भी कुछ ऐसे उनका कुछ बांछा रह गया जो पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए क्या किया ना, राधा भाव द्वैत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो राधा कृष्ण दोनों मिलित होकर क्या किए महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किए नवद्वीप में। तो वो कृष्ण लीला में जो विशेष तीन मांछा था कि कई छन राधा प्रेमा, कई छन माधुरीमा, कई छन सुखती हों भोर रे, एतने बांछित धन ब्रजे नहिलो पुराण कि करिवे ना पाया ओर रे, कि राधारानी का प्रेम कैसे मेरा माधु अद्भुत माधुरी का आस्वादन करके उनको कैसा सुख मिलता है और मेरा अद्भुत माधुरीमा वो कैसा है, ये तीन जो बांछा उनका पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए क्या किए ना राधा भाव कांति धरी राधा प्रेम में गुरु करी न दिया ते करल उदय रे, महाप्रभु राधा रानी का भाव और अंगकांति दोनों को स्वीकार करके क्या किए नवद्वीप धाम में अवतार ग्रहण किए। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण यदि पृथ्वी तक करें अवतार प्रथमे करें गुरु वर्गरे संचार, ये लीला आस्वादन की अभिलाषा उनका इतना हो जाता है कि वो क्या करते हैं ना ये धराधाम में आके नरवत लीला करते हैं और अकेले नहीं आते क्या ना सारी सारी पार्षद को लेकर आते, इसलिए जब महाप्रभु इस धराधाम में किसी कारणवशत आके अवतार ग्रहण करते प्रथमे करें गुरुवर्ग रे संचार, पहले गुरुवर्ग के इस धराधाम में संचार करते हैं जिसके द्वारा वो लीला को आस्वादन कर पाएंगे और सारी सारी परिकर पहले आते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं बलदेव प्रभु, क्यों क्यों बलदेव प्रभु है संधिनी सत्ता, अगर सत्ता नहीं रहेगा किसी वस्तु टिक नहीं पाएगा, तो इसलिए बलदेव प्रभु पहले धाम के रूप में प्रकाशित होते उसके बाद परिकर लोग आते हैं। तभी श्रीमन महाप्रभु आएंगे वो तीन मांछा जो उसको आस्वादन करने के लिए। तो अभी जितने सारी कृष्ण लीला में जितने सारे पार्षद थे वो क्या किए ना गौर लीला को पुष्टि करने के लिए एक एक स्वरूप एक एक रूप धारण करके ये गौर लीला को पुष्टि करने के लिए अवतार ग्रहण किए। तो इसलिए कहते जो ये गौर कृष्ण लीला में जो स्वयं राधा ठाकुरानी थे आश्रय तत्व वो क्या हुए ना ये गदाधर पंडित के रूप में आके इस नवदीप धाम में आविर्भूत हुए। बोले श्री गदाधर पंडित की जय। बोलते ये गदाधर पंडित चट्टग्राम मतलब आधुना जो बांग्लादेश है उसमें पिताश्री माधव मिश्र और माता श्री रत्नावती देवी को आश्रय ग्रहण करके इस धराधाम में आके आविर्भाव ग्रहण किए। और उनका विशेषता क्या था, बल्कि इसके ये विशेषता था वो बाल्यकाल से ही बैरागी थे तथा ब्रह्मचर्य जीवन यापन करते थे। तो यह हमें के शंका भी उत्पन्न हो सकता है, जब जब महाप्रभु ने इस धराधाम में अवतार ग्रहण किए है खुद महाप्रभु बने विषय तत्व और उनको प्राप्त करने के लिए एक आश्रय तत्व बने, जैसे कृष्ण लीला में स्वयं राधारानी आश्रय तत्व, मगर अभी वही कृष्ण जब नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुए तो यहाँ में तो आश्रय तत्व कौन है ना नित्यानंद प्रभु, मगर फिर राधारानी तो आश्रय तत्व थे ही, वो आश्रय तत्व होना चाहिए, मगर इधर नित्यानंद प्रभु जो बलदेव प्रभु वो आश्रय तत्व हो गए और इधर फिर राधारानी भी आ गए गदाधर पंडित के रूप में। तो इसमें क्या ये सिद्धांत किया शिक्षा दे रहे, बोलिए यद्यपि इधर महाप्रभु प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु छोड़ के वो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, वो आश्रय तत्व है महाप्रभु लीला में नित्यानंद प्रभु, फिर भी ये गदाधर पंडित आश्रय तत्व में है। बोलिए ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा, कोई उनको आश्रय ग्रहण करके कोई प्राप्त किए है क्या, बोलिए हाँ किए है, महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम है नरहरि सरकार नरहरि, वो क्या किए ये गदाधर पंडित को आश्रय करके महाप्रभु का साक्षात रूप में उनका सेवा प्राप्त किए। जब श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन महाराज को प्रकाशित किए उसमें उनका विशेष सेवा था क्या ना चामर ढुलाए नर हरि, वो क्या करते थे महाप्रभु नृत्य विलास करते थे ये उनको चामर सेवा करते थे और चामर सेवा करते थे उनका विशेष ये महिमा था क्या ना वो जो महाप्रभु की सेवा में थोड़ा सा नियुक्त होते थे महाप्रभु वो नृत्य विलास देखते देखते क्या होता था उनका दो आंख से इतना आंसू निकलता था इतना आंसू निकलता था, वो जो ज्ञानी कर्मी के लिए जो अत्यंत दुर्लभ वो तो मुक्ति को प्राप्त करके ही रुक जाते, मगर हम लोग भक्ति तो करते हैं वो अष्टसाथी को प्राप्त विकार को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित रहते, मगर वो भी हम अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अभी तक भजन साधन ही शुरू नहीं हुआ, मगर वो नरहरि का क्या विशेषता था अष्टसात्विक विकार उनका शरीर में प्रादुर्भाव हो रहा था, बार बार अष्टसात्विक विकार में उनका आँख से इतना आंसू निकलता था इतना आंसू, बोले उनका कपड़ा भी सिक्त हो जाता था, फिर भी वो क्या बोलते थे बोले कि अरे दूरे जा रहे प्रेम बारी आमी एखन तो रे चाइना कि तू अभी मुझसे दूर चला जा, क्यों मैं वही तुम्हें चाहता ही नहीं हूँ, तू क्यों बोले कि तू महाप्रभु की सेवा में तुम शत्रु हो,
मैं जब सेवा में नियुक्त होता हूँ तुम उस समय आके मुझे आभिभूत कर लेते हो, जिसके कारण सुचारू रूप में मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम दूर जाओ। तो ये गदाधर पंडित का विशेष क्या महिमा है। और गदाधर पंडित की जो जब महाप्रभु ने यहाँ में नीलाचल धाम में आके निज सची माता की आज्ञा में इधर जगतपुरी में रहने लगे, तो ये गदाधर पंडित भी क्या किए इधर आके रुकने लगे। तो उनका के विशेष महाप्रभु ने उनको स्थान दिए तोटा गोपीनाथ। ये जो तोटा गोपीनाथ, इसमें ही ये जो गोपीनाथ जी को ये कौन ना गदाधर पंडित पहली सेवा पूजा करते थे। तो इसमें के विशेष चरित्र आता था, ये जो तोटा गोपीनाथ थे ये और कोई नहीं महाप्रभु श्री हृदय से प्रकटित गोपीनाथ की मूर्ति। एक बार महाप्रभु गोपी भाव में कृष्ण की विरह में क्रंदन कर रहे थे, तो वहाँ में गदाधर पंडित को प्रश्न किए, हे गदाधर अब बताओ कि मेरा वो कृष्ण कहाँ है। तो अभी गदाधर तो कुछ बोलना पड़ेगा महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए। तभी गदाधर पंडित ने बोले कि हे प्रभु वो कृष्णचंद्र और कहाँ जाएंगे, ये तो आपके हृदय में है। तो कृष्णचंद्र और दूर कहीं नहीं, ये आपके हृदय में है। महाप्रभु जब श्रवण किए कि गोपीनाथ कहाँ है कि मेरा हृदय में है, तो महाप्रभु अत्यंत विरह में हृदय को विदारण करने लगे। तो उस समय गदाधर पंडित इतादृश अवस्था को देख के क्या किए, कुछ बाकी को परिवर्तन कर दिए, बोले कि नहीं नहीं ये आपके हृदय में नहीं है, ये जो तोटा आप देख रहे हो वहाँ ही माँ गोपीनाथ जी, वहाँ ही कृष्ण है। तो यहाँ श्रवण करते ही महाप्रभु ने क्या किए, दौड़ के जब जा रहे थे उसमें गिर पड़े रास्ता में, और ऐसे मुँह मतलब हृदय को जब मिट्टी में लग के गिर पड़े, तो महाप्रभु तो कुछ समय बाद प्रकृतिस्थ हो गए, और जहाँ उनका हृदय था वहाँ मिट्टी खोदने के बाद ये गोपीनाथ की विग्रह प्रकाशित हुआ। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की। तो इस विग्रह में क्या विशेषता था, महाप्रभु हृदय से प्रकाशित होने के कारण कृष्ण से पूरा अभिन्न और स्वयं कृष्ण ही, मगर उनका जो उच्चता बड़ा था, तो इसलिए सेवा पूजा में थोड़ा कष्ट हो रहा था गदाधर पंडित को। मगर ये गदाधर पंडित खर्ब काय के थे, उनका उच्चता थोड़ा कम था, तो बार बार ये क्या करते थे, जब उनको माला प्रदान पहना रहे थे या कुछ श्रृंगार कर रहे थे तो उनको कष्ट अनुभव हो रहा था। तो मन मन में सोचने लगे कि अरे ये तो इतना बड़ा है मुझे कष्ट हो रहा है। तो कृष्ण से ही सत्य करे जय मागे भृत्य भृत्य वांछा पूर्ण बिना नहीं यार कृत्य, करेंगे क्या कृष्ण की किछ कार्य ही नहीं है, कुछ कार्य ही नहीं, क्या करेंगे, जो भृत्य है उसका वांछा पूर्ण करना ही कृष्ण का कार्य। मगर यहाँ में भी एक शिक्षा देते हैं, जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो वास्तव में कृष्ण भक्त है उसका मन में तो कुछ मतलब पाने के लिए इच्छा ही नहीं, कुछ वासना नहीं, तो कृष्ण क्या पूर्ति करेंगे। जो शुद्ध भक्त है कभी कभी अगर किसी कारण के लिए नहीं केवल भगवान की सेवा के लिए उनका कभी अभिलाषा उत्पन्न होता है, तो जब ये अभिलाषा उत्पन्न हो गया कि भगवान अगर छोटे होते तो हमको श्रृंगार करने में या विभिन्न तरह की सेवा करने में अच्छा होता, तो भगवान ने क्या किए, गोपीनाथ ने खुद बैठ गए। और जब मंगलारती के समय हुआ, जब ठाकुर जी का शयन पहाड़ खोला, तो देखिए क्या इतने बड़े विग्रह अभी क्या ना बैठ गए। बोले कि पृथ्वी में बहुत सारी की आश्चर्य चीज़ है, विशेष रूप में सात आश्चर्य चीज, वो सप्ताह आश्चर्य पृथ्वी में, मगर ये कि आश्चर्य जिनसे अष्टाचार्य जो गोपीनाथ तोटा गोपीनाथ है, क्या आश्चर्य। बल्कि पृथ्वी में हमें ऐसे कोई भी विग्रह नहीं देखोगे जो बैठ के बांसुरी बजाते हैं, मगर इधर गोपीनाथ में ये बैठ के बांसुरी बजाते ही ये केवल गदाधर पंडित के लिए ही हमें संभव हो पाया। तो गुरुदेव इसके बारे में क्या अच्छी चीज़ बोलते हैं, पूज्य बात भक्ति वेदांशिल नारायण उसे हमारे क्या बोलते हैं, बल्कि इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो गोपीनाथ ने बैठ गए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। बोले किस कारण के लिए, बोले इस कारण के लिए ये गदाधर पंडित और कोई नहीं, ये स्वयं श्री राधा ठाकुरानी है, जिसका चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु खुद लालायित होते, और अंतिम में उनका मान भंजन करने के लिए क्या बोलते हैं कि स्वर गण खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव पंकजम मुदारम, कि जो जयदेव गोस्वामी बाद ये गीत गोविंद इत्यादि रचना कर रहे थे, तो ये महाप्रभु राधारानी के चरण पंकज को अपने स्वर में रखने चाहते, इतने श्रवण करके ही क्या करते हैं ना, ये उनको ये लिखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ये तो खुद उनके मन में ये लीला स्फूर्ति हो रहा था, फिर भी ये लिख नहीं पा रहे, उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा, मगर फिर भी खुद महाप्रभु इस पद को लिख दे कि राधे तुम क्या करो, अपने चरण कमल को मेरा माथा में स्थापन करो और ये दुर्जयमान को त्याग करो। मगर वही राधारानी का क्या महिमा है, राधारानी का बात छोड़ो, उनके जो परिकर है, उनके जो सखी है, जो मंजरी है, ललिता विशाखादी, अभी अगर महाराज में कृष्ण आने के लिए बोल रहे हैं और थोड़ी सी लेट कर दिए, मगर वही राधारानी आज्ञा देते हैं, ललिते हे विशाखे तुम क्या करो ना, ये कृष्ण को कभी मेरा कुंज में प्रवेश करने के लिए देना ही नहीं,
तो वही ललिता बिछाकर क्या करते हैं, जाके बड़ी दूर से क्या करते हैं, कृष्ण को गुलचा मार मार के क्या करते हैं, दूर भगा देते हैं। बल्कि ये किसका शक्ति है, केवल केवल राधारानी का शक्ति से ये शक्तिमान है। तनु इसलिए वो राधारानी बोले कि बैठ जाओ, बैठ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये स्वयं ये गदाधर पंडित की वही स्थान है। श्रीमन महाप्रभु जब जब भी वृंदावन नीलाचल धाम से वृंदावन जाने के लिए सोचते थे, राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों क्या करते थे, किसी ना कुछ वजह दिखा के महाप्रभु को एक वृंदावन जाने के लिए मना कर देते थे। और महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए ज़्यादा जब लालायित हुए, एक बार जा कुछ भक्त लोग को लेके जब जा रहे थे, तो सब भक्त लोग से तो परमिशन लेके गए और गदाधर पंडित से भी लेके गए, और महाप्रभु के जो विरह है गदाधर पंडित के द्वारा सहन नहीं हुआ। फिर क्या किए, उनके पीछे में पश्चात धावन करते करते चित्रोत्पला नदी के पास जो महाप्रभु जो नाव पारी हो रहे थे नदी में, तो फिर वहाँ जाके उपस्थित हो गए। तो महाप्रभु तो देखिए बड़ा अवाक हो गए, बोले क्यों क्यों, क्योंकि ये जो गदाधर पंडित हम अभी पहले श्रवण कर रहे थे, ये क्षेत्र संन्यास लिए थे कि क्षेत्र छोड़ के परिसर छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, महाप्रभु की विरह भी उत्पन्न हुआ, इसलिए जा पड़े महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु उनको देखे, बोले गदाधर आप तो क्षेत्र संन्यासी लिए थे, अभी नीलाचल क्षेत्र को छोड़ के आप जा रहे हो, तो बड़ा अच्छी चीज़ बोले कि प्रभु जहाँ आप हो, जहाँ के आपके चरण कमल है, वहाँ ही वो क्षेत्र वो ही नीलाचल क्षेत्र है, और आपके बिना मेरा क्षेत्र संन्यासी रसातल में जाए वो क्षेत्र संन्यासी मुझे चाहिए नहीं, केवल केवल आपको प्राप्त करने के लिए ही मैं क्षेत्र संन्यासी लिया था, अगर आप नहीं ये क्षेत्र संन्यासी मुझे कभी भी इनकार नहीं, प्रभु मैं इसको इसलिए त्याग किया। बोले कि ठीक है आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो ये तो मैं मान गया, मगर एक गदाधर पंडित वो गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा। बोले कि प्रभु आपकी चरण कमल के दर्शन से कोटि गोपीनाथ की सेवा हो जाता है, इसलिए गोपीनाथ की और सेवा करना नहीं पड़ता, आपकी चरण कमल के दर्शन करने के बाद सारी सारे दर्शन हो जाएगा और गोपीनाथ की सेवा हो जाएगा। ऐसे ऐसे महाप्रभु के चरण में उनका इतना प्रगाढ़ प्रगाढ़ विश्वास था और किसी भक्त में ही दिखाई नहीं देता है। तो महाप्रभु ने फिर भी उनको समझा बुझा करके ये क्या किए ना नीलाचल धाम को भेजे। श्रीमन महाप्रभु ने अत्यंत विरह दशा में जब खुद को अप्रकट लीला विस्तार किए, तो बोलते कि गदाधर पंडित की दशा बड़ा अत्यंत इतना विरह में वो रह रहे थे, बल्कि कहाँ पाऊँ कहाँ जाऊँ, और महाप्रभु विरह में इतना हर समय उच्चारण करते ही केवल ही महाप्रभु कृष्ण के नाम उच्चारण करते थे, और क्षण क्षण में ही क्या करते थे, अष्टसत्व विकार उनका शरीर में दिखाई देता था, और दीर्घ सांस छोड़ के केवल केवल महाप्रभु अप्रकट होने के बाद 11 महीने के अंदर अंदर में ही ये पूरी नीलाचल धाम में ये गदाधर पंडित अप्रकट हो गए। तो आज वही गदाधर पंडित की सुतिरोभाव तिथि है, वो उनके श्री चरण कमल में हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे महाप्रभु संपत्ति के रूप में वो धारण किए, हमारा जैसे बद्ध जीव के प्रति कभी कृपा करे कि वही महाप्रभु हमारा वास्तव धन हो जाए, और दूसरे दूसरे विषय के प्रति हमारा मन अनासक्त होके महाप्रभु इस चरण कमल में लग जाए। बोल श्री गदाधर पंडित की जय, तदीय सुतिरोभाव तिथि की जय, दाई गौर प्रेमानंदे हरि। श्री गदाधर पंडित की जय। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में आए और पुरी में रहते थे, रोज तोटा गोपीनाथ में जाते थे, क्यों, श्री गदाधर पंडित से भागवत कथा श्रवण करने के लिए जब जाते थे, तब महाप्रभु हैं कि तू वहाँ भागवत कथा सुनने क्यों जाते थे, कारण है क्या, बोले कारण है कलयुग में कृष्ण ही राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के जगत में आए। बोले किसलिए आए, आए क्यों, बोले कारण है कद राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, और मेरा जो स्वरूप है इतना सुंदर मेरा स्वरूप है, यद्यपि सारे भक्त ये रूप का आस्वादन करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती, बोले श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप में श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं, इसलिए मेरे रूप को वो कैसे आस्वादन करती है। तीसरा कारण है, और जो आस्वादन जो करती हैं वो आस्वादन में क्या आनंद मिलता है श्री राधा रानी को, इसलिए कहते हैं मेरे को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद मिलता है, इसलिए ये चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी भांग और अंगकांति लेकर के आए। लेकिन राधा रानी तो प्रेम का गुरु है, हैं, और वही राधा रानी अभी श्री गदाधर पंडित बन करके आए, इसलिए श्रीमन महाप्रभु
थोटा गोपीनाथ में जाते थे और जाते समय श्री गदाधर पंडित से बैठ करके कथा सुनते थे, क्योंकि राधा रानी प्रेम का गुरु है। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो तोटा गोपीनाथ यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इसका कारण क्या है। कहते एक कारण तो जब हुए वृद्ध हो गए, ठाकुर का सेवा नहीं कर पाए, ठाकुर जी बड़े लंबे चौड़े थे, इसलिए उनका प्रेम में वशीभूत तो होकर के गोपीनाथ क्या क्या उन्होंने बैठ गए गुरुदेव। ये कारण है गुरुदेव, तीन कारण बताते थे। दूसरा कारण है जब वहाँ पर स्वयं राधा रानी जब कथा करती हैं, कथा कितना स्वाद नहीं होगा और कथा में कितना आनंद नहीं होगा। एक साधारण व्यक्ति जब कथा करे कथा में कितना रस होता है, हैं? लेकिन जहाँ स्वयं राधा रानी कथा करती हैं, फिर समझो वो कथा में कितना रस नहीं होगा, हैं? कितने रस नहीं होगा। और महाप्रभु स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं, जब महाप्रभु बैठ कर कथा सुनते हैं, इसलिए तोटा गोपीनाथ सोच रहे मैं क्या करूँ, इसलिए तोटा गोपीनाथ जी आकर के बैठ जाते हैं। और बैठ कर क्या करते हैं, जब गदाधर पंडित जी कथा करते हैं और स्वयं तोटा गोपीनाथ भी राधा रानी के मुँह से कथा सुनते हैं, हैं? इसलिए कहते दूसरा कारण। बोले तीसरा कारण है कृष्ण बैठे कहाँ पर है। बोले कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते जब राधा रानी की मान हो गया, क्यों, जब देखा कृष्ण सबको साथ में और कृष्ण मेरे साथ में, तो राधा रानी के अंदर मान हुई क्या मैं सब गोपियों के साथ में मैं बराबर हूँ, कृष्ण सबको साथ में और कृष्ण मेरे साथ में। इतने में राधा रानी की मान हो गई और गोपियों का हो गया सौभाग्यमद। सौभाग्यमद मतलब हर गोपियाँ देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण किसको पास में नहीं, इसलिए उनके अंदर में स्वाधीन भद्रिका की उनके अंदर में ये भावना आया राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण नहीं। कृष्ण ने देखा राशेश्वरी राधा रानी, ये लोग तो राधा रानी को ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए राधा रानी का मान को मनाने के लिए कृष्ण जब रास परित्याग किए, फिर गोपियों ने जब श्याम सुंदर को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते जब हैं जब श्री राधा रानी उनको मिले, बल्कि उनको ढूंढने का जरूरत नहीं, वो शर्मिंदा होंगे, चलो जमुना किनारे में बैठ करके हम क्या करेंगे, गोपी गीत को गाएंगे। जब गोपी गीत को गाए व्रतासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बर धर सर्ग सख्यात मनमत मनमत। भगवान स्वयं मनमत का मनमत मदन मोहन रूप लेकर के जब गोपियों को बीच में ठाकुर जी प्रकट हुए, लेकिन उसी समय में गोपियों ने क्या किया, अपना चुंदरियों को उतार करके वहाँ पर आसन बिछाए। जब आसन बिछाए उसको ऊपर में कृष्ण स्वयं बैठे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। ब्रह्मा जिनकी चरण की नख की छटा तक वो भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जिनको ध्यान में धर करके जिसकी था नहीं पाते हैं, लेकिन आज वो जोगेश्वर कहाँ पर बैठे हुए, बोले गोपियों की चुंदरी को ऊपर में भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान तीन जगह पर गुरुदेव कहते हैं तीन जगह पर बैठते हुए दिखता है, और यहाँ पर जो बैठे हैं गदाधर पंडित की प्रेम में वशीभूत होकर के और इनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर गोपीनाथ जी बैठ गए। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की, बोले श्री गदाधर पंडित की, निताई गौर ब्रह्मानंदे। और नित्यानंद प्रभु जो बंगाल से आए थे एक समय, हाँ, इसलिए एक समय उन्होंने तोटा गोपीनाथ के लिए एक कपड़ा लेकर के आए थे, और उन्होंने एक स्पेशल चावल उधर का है, बड़े सुंदर चावल लेकर के आए थे। और एक दिन गदाधर पंडित ने रसोई बनाया और उन्होंने तोटा गोपीनाथ को भोग लगाया। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जगन्नाथ गंभीरा से चलते चलते जग समुद्र में स्नान करके अपने आप बिना बुलाए हुए आ गए। और गदाधर पंडित ने क्या बनाया था, अनावना साग, हाँ अनावना साग, जंगल से साग को ला करके और जो इमली पत्ते से उन्होंने चाटनी बनाए थे। महाप्रभु हरि बोल करते करते पहुंच गए। बोले गदाधर नित्यानंद प्रभु बंगाल से चावल लाए, बनाया किसने, गदाधर पंडित राधा रानी, भोग किसको लगा, तोटा गोपीनाथ को, क्या इसमें मेरी अंशीदार नहीं है, इसमें हिस्सा क्या मेरी नहीं।
बोले प्रभु कैसे बात करते हो, हैं कैसे बात करते हो, जरूर पाओ। इसलिए महाप्रभु प्रसाद जब पाए टोटा गोपीनाथ के प्रसाद को, कहते सारे भक्त लोग वहाँ पर सबके जैसे गुरु जी के प्रसाद को हैं जैसे सबके सब छिना है ना, सारे भक्त लूट पाट करके सब महाप्रभु का अधराम व्रत को पाए थे। इसलिए ये टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित यहीं पर रहे और यही स्थान है, टोटा गोपीनाथ अंतर्गत भी स्थान है, हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो टोटा गोपीनाथ की कथा गदाधर पंडित जहाँ पर रहते थे आज हम यहाँ पर बैठ कर उनकी कथा सुन रहे हैं। बोले श्री गदाधर पंडित की सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। अभी थोड़ी सी भागवत कथा सुन लें, ठीक है, थोड़ा कीर्तन कर लो, सबके सब नींद आ रही है प्रसाद बनने के बाद, हाँ सब ताली बजाते हैं कीर्तन करना। जय राधा माधव जया कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय बोलो छोटा भाई कहाँ गया, छोटा भाई कहाँ गया। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भागवत कथा मृतम की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री सुत गोस्वामी की श्री सौनकादि ऋषियों की सब परिकर गौर हरि की हिताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य को। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किसी ग्रंथ की अगर हम महात्म को समझना चाहते हैं कहते वो ग्रंथ का तीन चार दृष्टिकोण से ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। कितना दृष्टिकोण से? तीन चार दृष्टिकोण से ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। बोले पहला नंबर किया, बोले पहला नंबर है ये भागवत कथा का सुनने का अधिकारी कौन है, मतलब ये ग्रंथ को कौन सुन सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा वही सुन सकते हैं, बोले जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्य। कहते सभी कथा नहीं सुन सकते हैं, पापी तो कथा में बैठ नहीं सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? बोले जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो। इसलिए भागवत कथा की इतने महिमा बताए, भले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरस। आज जो सौभाग्य हमें मिला है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये सब नहीं मिलता है, उनको भी कथा सुनने को नहीं मिलता है। भले स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते ये ब्रह्मलोक में भी नहीं, भले ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, भले कैलाश में भी कथा की सौभाग्य नहीं, भले कैलाश की बात छोड़ दो, ये सौभाग्य वैकुंठ नास्ते अमरस। बोलिए वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। इसलिए कहते अतः पिबंतु सद्भाग्या, इसलिए कथा को कह रहे हैं जो सद्भाग्यवान है, जो अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली। कहते क्या करो? बोले ना मा मुंचत, कभी ये कथा को छोड़ मत, ये कथा को पीते रहो, कथा को छोड़ना नहीं, केवल कथा को पीते रहो। इसलिए पहला नंबर अधिकारी कौन है? बोले अधिकारी हुए हैं जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म का कोई सौभाग्य होते हो। अगर कोई बोले भैया हमारा तो कोई पुण्य है ही नहीं, हम तो बड़ा पापी व्यक्ति, इसलिए बड़ा धुंधुकार यहाँ बैठा। इसलिए कहते हैं है? कहते भैया कहते हम तो बड़े पापी है। कहते फिर ये क्या कथा नहीं सुन सकते हैं? नहीं कथा सुन सकते हो। बोले क्या इस उदाहरण क्या दिया? कल हम लोग सुन रहे थे धुंधुकारी का कथा। ये धुंधुकारी इतना बदमाश था, अब क्या उसने क्या किया? अपना पिताजी को इतने सताया, पिताजी घर छोड़कर चले गए, माँ को इतने मारा, मैया कुआ में छलांग लगा कर प्राण त्याग, छह छह बेस्याओं को बुला करके लाया है,
कोई बोलते कपड़ा दो, कोई बोलते गहना दो। इसलिए राज दरबार में डाकू डाला, जब डाकू डाला पैसा डाकू डाल करके लाए और उनको बेस्याओं ने क्या किया, बस गला घोट करके मुंह में अंगार को ठोस ठोस कर उसको मार डाला और घर में गाड़ दिया। गाड़ घर को क्या बन गया, प्रेत बन गया, हैं प्रेत बन गया। जब फिर घर में गोकर्ण आया, देखा फिर प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले भैया तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड देकर के आया। गया में पिंड देने पर क्या होता है, वहां पर गया में भगवान की हाँ गदाधर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। भगवान स्वयं बोले अगर कोई यहाँ पर आए पितृपुरुषों के लिए कोई पिंड प्रदान करे ना, फिर वो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा, ये भगवान की वरदान है। लेकिन जब गया में पिंड देने का बावजूद भी इसका उद्धार नहीं हुआ, बोले गया में पिंड देकर के तेरे को मुक्ति नहीं मिली। वो क्या कहता है, बोले एक बार तो तुमने पिंड दिया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना, फिर उद्धार नहीं होगा। मतलब इतना बड़ा पापी कौन है ये धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब क्या, बोले धुम धुम करो तो धुंधुकारी, जो जीवन को जो मचला दे, जीवन को दुखी दुखी कर दे, हैं इसलिए धुंधुकारी इसका नाम है। जीवन को जो मचला दे, जीवन को दुखी दुखी कर दे, इसलिए धुंधुकारी। खुद का जीवन को दुखी करे और पिता माता दुनिया सबको परेशानी जो कर दे, ऐसे ये दुष्ट ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी। लेकिन इस इतने बड़े पापी का उद्धार कैसे हुआ, कल सुन रहे थे ना। लेकिन जब उन्होंने भागवत कथा कराया है, जब उन्होंने भागवत कथा कराया कि भागवत कथा से उद्धार होगा। यहाँ शिक्षा देते हैं, हम भले ही जीवन में जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल आओ और कथा में बैठो और ये भागवत कथा केवल सुन लो, बस जिनकी सारे पाप नष्ट हो जाएगा। कल सुन रहे थे ना, सत्य पुनाति सत धर्मम, केवल कोई अनुमोदन अगर कर ले, भागवत कथा हो रही है अच्छी बात है, अनुमोदन भी कोई कर ले, बोले सत्य पुनाति सत धर्मम, वो सारे पाप से मुक्ति पा करके भगवत धाम को प्राप्त करता है केवल अनुमोदन से। और जो आकर के बैठ गया, बोले उसका तो सौभाग्य बता ही नहीं सकते। इतने सौभाग्यवान जो कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए बोले कथा कौन सुन सकते हैं, बोले पापी से भी, पापी क्यों नहीं हो वो भी कथा सुन सकते हैं और उनको भी अगर भगवत प्राप्ति कराएगा ये कथा। अगर कोई बोले अरे ये सब कथा बता सुनने का हमें कोई जरूरत नहीं, हम सब सुन सुनाए कथा कितना बार सुनेंगे कथा। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी। यदि सुखदेव गोस्वामी जैसे हम इतने पंडित इतना विद्वान हम नहीं हैं, जिसने कद परिनिष्ठित अभी नरगुण्य उत्तम श्लोक ले लाया, उनका क्या महिमा है, जो संपूर्ण रूप में ब्रह्म ज्ञान में जो डूबे हुए थे, हैं पूरा उसमें डूबे हुए थे, लेकिन भागवत कथा की इतने महिमा, केवल भागवत कथा की एक श्लोक उनको कान में पड़ गया ना, सब छोड़ करके सारे ज्ञान ध्यान को उन्होंने छोड़ दिए और आए और पूरी ये भागवत कथा को श्रवण किए। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं, सभी सुन सकते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी सुन सकते हैं और पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। भागवत कथा सबको भक्ति देने वाली, सभी को उद्धार करने वाली ये भागवत कथा। इसलिए अधिकारी कौन है, सबके सब कथा सुन सकते हैं। कहते भागवत में विषय क्या है, बोले भागवत में जो विषय है ना वो साधारण वस्तु नहीं। अरे तो तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, जो पीछे बैठे हो, कैसे सुनाई पड़ रहा है, माइक लगा हुआ, दरवाजा तो बंद है, उसको खोल, दरवाजा को खोल दो। कैसे आवाज, कैसे आता है आवाज आ रही है, इसलिए बताए हरे कृष्णा। कद भागवत में विषय क्या है, कद भागवत में साधारण विषय नहीं यहाँ पर है। ये चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता। इसलिए कहते भागवत में जो विषय वस्तु आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, हम आगे जा करके सुनेंगे जहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु
भगवान स्वयं, जिस भागवत ग्रंथ में कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन किया। और वो कौन सा कृष्ण है? बोले गोपियों की जो आराध्य कृष्ण है, आराध्य भगवान ब्रज स्थल धाम वृंदावनम। कहाँ रहते हैं? कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, हैं? इसलिए रूप गोस्वामी कहते जब वो रहते हैं मथुरा में, जब रहते हैं द्वारका में रहते हैं पूर्ण कृष्ण है, जब मथुरा में रहते हैं पूर्णतर, और वृंदावन में जब रहते हैं ये पूर्णतम कृष्ण है। इसलिए रहते हैं कहाँ पर? वृंदावन में। भले उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए? यद्यपि सभी भक्तों ने आराधना की है, लेकिन ब्रज गोपियों ने जैसे आराधना की, ये आराधना सर्वश्रेष्ठ। हम आगे जाकर के सुनेंगे उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आते हैं, राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, और गोपियों की चरण की धूल को वंदना करते हैं। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का कथा, और जिसमें ब्रज गोपियों की जो महिमा को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णना की गई, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। इसलिए कदि विषय वस्तु बड़ी हाई फाई विषय वस्तु, और इसी में है कदि भागवत ग्रंथ में कदि लक्ष्य किया है, बोले प्रेम। हमारे लक्ष्य क्या है? प्रेम। हमारे कृष्ण लक्ष्य नहीं है, हमारी कृष्ण लक्ष्य नहीं, क्या लक्ष्य है? प्रेम। बोले एक ही क्या बात है, आपको कृष्ण नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए? तो इसके लिए उदाहरण दिया है, बोले भैया कंस भी तो कृष्ण को देखा, शिशुपाल भी तो कंस को देखा, देखा कि नहीं देखा? अघासुर बकासुर भी उतना भी देखा कृष्ण को, बताओ कृष्ण को किसी ने नहीं देखा? सारा दुनिया देखे, लेकिन देखने पर भी क्या कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ उनका। भगवान को साथ में बैरी ठानी, भगवान को मारने के लिए कोशिश की। इसलिए हमारी कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं, क्या प्रयोजन? प्रेम प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन। किंतु प्रेम का दो लक्षण है, क्या लक्षण है? बोले सांदर नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्णा कसणी जैसा। इसलिए जैसे दूध को गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाती है, हैं? ऐसे ही जो आनंद प्रेमावस्था में प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होती है, हैं? और दूसरा क्या है? बोले श्री कृष्णा कर्षणी चसा, ये प्रेम का दूसरा लक्षण है। ये भगवान को भला खेच करके ले आता है, जैसे जैसे कोई फूल जब खिल जाता है क्या होता है? ये फूल भ्रमर को पास में नहीं जाता, भौंरा क्या करता है? ये फूल को पास में आकर के उसका मधु का आस्वादन करता है। उसी तरह हृदय में जब कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा ना, हमें कृष्ण को पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण हमारे पास में आएगा। इसे जब ध्रुव तपस्या करते समय हैं, जब तपस्या कर रहे थे, कौन किसको पास में गया? ध्रुव भगवान को वैकुंठ गए ना, भगवान वैकुंठ से ना ध्रुव को पास में आए। इसलिए भगवान जब ध्रुव तपस्या कर रहा था, एक दिन भगवान वैकुंठ में, जैसे हम किसी मेला देखने के लिए जाए ना, कोई नाटक देखने के लिए बढ़िया कपड़ा फोड़ा पहन करके सज धज करके चलते हैं, एक दिन नारायण बड़े सज धज रहे थे। भक्तों ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो इतने सुंदर सज धज करके? भगवान बोले ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहा हूँ। इसलिए भागवत में प्रेम को ही प्रयोजन रूप में बताया, हमारे जो प्रयोजन है कृष्णा प्रेम ही प्रयोजन है। इसलिए ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए भागवत में चार ही अक्षर है, कितना अक्षर है? भाग ब और त, ये चार ही अक्षर है। चार अक्षर में क्या कहते हैं? बोले भा मतलब किया, बोले भाति सर्वे सुलोकेशु, बोले ग में बोले गियते नारदादि भी, बोले ब में बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त में बोले तरणी च भवार्णव। कहते जो भागवत में जो विषय वस्तु, कहते ये चार अक्षर में ये पूरी भागवत का रहस्य ये चार अक्षर में। बोले भा मतलब होता है भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले जिसकी महिमा बा जिसकी प्रशंसा बा जिसकी शोभा सब लोग में है, इसलिए सब लोग में जिसकी महिमा है, जिस कथा को केवल हम ही सुनते हैं ऐसे बात नहीं, जिस कथा को देवता लोग भी सुनते हैं।
देवता लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, जिस कथा को ब्रह्मा भी आकर सुनते हैं, ब्रह्मा की बात छोड़ दो शंकर पार्वती भी सुनते हैं, जिस कथा को गरुड़ भी सुनते हैं, जिस कथा को हनुमान भी सुनते हैं। इसलिए कहते भाति सर्वेश लोकेशु बोले गोले गियते नारदादि भी, जिसको नारदादि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, जिसको नारद गान करते हैं, चतुसन गान करते हैं, सुखदेव गोस्वामी गान करते हैं, जिस कथा को श्री ब्रह्मा शंकर भी कथा को जो गान करते हैं, बोले ब मतलब क्या, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत। हम आगे जाकर के सुनेंगे, जब श्री व्यास देव सारे ग्रंथों को जब उन्होंने रचना की, उनको शांति नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने भागवत ग्रंथ रचना की पूर्ण रूप में, तभी शांति मिली। इसलिए वरिष्ठ सर्वशास्त्र बोले त मतलब बोले तरणी च भवानवा, अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा मही भागवतम स्वरूप, ये भागवत कथा को श्रवण करो, ये अपार संसार से अपने आप मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति ये भागवत से ही होगी। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, हरि जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री परीक्षित महाराज की। अभी हम लोग भागवत का जो पहला श्लोक को आज हम श्रवण करेंगे। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतश्च स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहयन्ति जत सुरयो तेजो बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यंग परम धीमहि। कदी भागवत का जो पहला श्लोक कहते हो, इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है, इतने महत्वपूर्ण ये श्लोक है, कदी ये एक श्लोक में, ये पूरी भागवत एक श्लोक में विद्यमान है। और ये ऐसे के श्लोक है, हैं, ऐसे के दिव्य श्लोक है, कहते भागवत पूरा के पूरा इसमें विद्यमान है। इसलिए एक श्लोक के ऊपर में 108 टीका लिखा हुआ है, ऐसे ये श्लोक है। कभी ये श्लोक में क्या बताना चाहते हैं, कभी ये श्लोक को बताया, कभी विशेष करके सारे शास्त्र में तीन चीज मिलता है, संबंध अविधेय और प्रयोजन। इसलिए जो पहला श्लोक, उसमें तीन श्लोक है, मंगलाचरण में तीन श्लोक है। पहला श्लोक है संबंध है, दूसरा श्लोक है अविध है, और जो तीसरा श्लोक है ये प्रयोजन तत्व। इसलिए जो पहला श्लोक संबंध बा ध्यान, यहाँ पर जब शुरुआत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो ध्यान किसको कर रहे हैं, बोले सत्यंग परम धीमहि, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। बोले भैया वो परम सत्य कौन है, लेकिन इसी के ऊपर भी बड़ी लड़ाई झगड़ा है। क्यों, कहते ये श्लोक में केवल विशेषण विशेषण है, इसमें कोई विशेष पद नहीं है, मतलब इसका आराध्य कौन, इसका नाम नहीं, केवल इसमें गुण गुण बताया गया। इसलिए जो शंकर जी को पूजा करते हैं ना, ये श्लोक को शंकर जी में लगा देते, बोले सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर ही उसको पूरा व्याख्या किया है। और जो मैया देवी को पूजा करते हैं, ये श्लोक को देवी में लगा देते हैं। और जो लोग गणेश जी को पूजा करते हैं, ये श्लोक को उन्होंने गणेश जी में लगा देते। बड़ी झगड़ा है इस श्लोक को लेकर के, हाँ, जो जिसको पूजा करता है कहती वही भागवत की आराध्य देव है, उसको हम ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक बल्लभाचार्य हुए, वो कहते भैया ये और किसी के लिए नहीं, ये तो केवल भगवान कृष्ण के लिए ये श्लोक है, केवल कृष्ण के लिए। बोले आप कृष्ण में कैसे लगा दिए, कैसे कृष्ण में लगा दिए, बोले इसमें बोल रहे हैं क्या, बोले परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। कहते परम सत्य कौन है, बोले जब देव के गर्भ में भगवान कृष्ण आए, 33 करोड़ देवता वहां पर प्रकट हुई, ब्रह्मा शिव नारद 33 करोड़ देवता एक साथ में, कहते देवकी की गर्भस्तुति कर रहे थे। बोले गर्भस्तुति का पहला श्लोक क्या है, बोले सत्यम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य
सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपत्ति। तो परम सत्य कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। कौन कह रहे हैं? 33 करोड़ देवता स्वयं कह रहे हैं। इसलिए ये कृष्ण ही परम सत्य, इसलिए भागवत का आराध्य व भागवत का इष्ट व ध्यान का वस्तु कौन? बोले भगवान कृष्ण। बोले वो कौन है? बोले जन्मादस्य जता, जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे होता है, इसलिए इनकी इच्छा से ब्रह्मा जगत का सृष्टि करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के सुंदर कीर्तन लिखा, क्या लिखा है? बोले तुम ही सर्वे सोरे पर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा छाया विश्व श्री जना संगार कबाई छबा से ब्रह्मा करना पला जाना तब इच्छा भाते सेवा करना संसार तब इच्छा भाते विष्णु करना पलाना तब इच्छा भाते माया ये कीर्तन में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जगत में सृष्टि करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं, शंकर जगत को संहार करते हैं, और जो माया है आपकी इच्छा से उन्होंने जगत को उन्होंने ये कारागार रूप में बनाया, इसलिए आपकी इच्छा से, इसलिए जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय कृष्ण की इच्छा से अन्य और व्यतिरेक रूप में सब भगवान कृष्ण से ही होता है। इसलिए जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को जिन्होंने पूर्ण किया है, हैं? ऐसे जो भगवान कृष्ण, हम सब के सब भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? बोले भैया इसमें क्या केवल कृष्ण को ही करते ना, और किसी को? बोले नहीं, केवल कृष्ण को नहीं, बोले कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। इसमें जो सत्य अंग परम धीमही, इसमें जो परम शब्द है वो उदाहरण देते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। ये जो परा शब्द है ये राधा रानी ही कृष्ण की पराशक्ति, यहाँ पर श्री राधा रानी को चरण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए जापि राधा सापि कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योति दिधाभिर न राधा माधव स्वरूपम। कभी जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, को दो होते हुए भी एक और एक होते हुए भी और दो हैं। इसलिए जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटव्यम असंभाष्य तद भाव गंभीर चिताम कुतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। इसलिए कोई एक व्यक्ति था जो केवल कृष्ण को पूजा करता था, उसने एक बड़ा सुंदर पद लिखा, पद में था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। पद बड़ा सुंदर था, बड़े बड़े कवियों को पास में गया, बड़े लोग तो बहावा दिए, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी को पास में ये पद आया, जीव गोस्वामी ये श्लोकों को लिख करके भेज दिए। बोले क्या? बोले बोले तुम बोल रहे हो कृष्ण रंग में रंग गए हो। बोले कृष्ण रंग में रंगना इतने आसानी बात नहीं, अगर कृष्ण रंग में रंगना चाहते हो ना, पहले तीन चीज को अपना फिर तो कृष्ण रंग मिलेगा। वो तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भज रहे, सबसे पहले से राधा रानी की चरण को आश्रय ग्रहण करो। दूसरा चीज क्या? राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम का आश्रय करो। और सबसे जो बड़ी चीज
राधा रानी की भक्ति में जो संत उसमें डूबे हुए हैं, ऐसे भक्तों का चरण आश्रय ग्रहण करो। जब तक ये तीन चीज को नहीं अपनाओगे तब तक कृष्ण कभी तुम्हें नहीं मिल सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी की वंदना की गई, इसलिए शिक्षा देते हैं जुगल सरकार की उपासना करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वो क्या कहते हैं, कहते भागवत का जो पहला श्लोक है ना, श्री सचिनंदन गौर हरी श्री चैतन्य महाप्रभु को मैंने प्रणाम किया है, हैं चैतन्य महाप्रभु को वंदना किया है। इसलिए उसमें जो सत्यम परम धीमई, वो परम जो सत्य कौन है, बोले श्री सचिनंदन गौर हरी है। क्योंकि राधा कृष्ण का मिलित विग्रह कौन है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इसमें महाप्रभु का वंदना किया। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझद जद सुरयो, वो आदि कवि कौन है, बोले ब्रह्मा नहीं श्री रूप गोस्वामी। महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया, सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया, कृष्णदास राय रामानंद को जो शिक्षा दिया, आदि कवि महाप्रभु का परिकर है। कहते ऐसे श्री सचिनंदन गौर हरी चैतन्य महाप्रभु का चरण में हम सबके सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरी की, बोले श्री मान चैतन्य महाप्रभु की। जो दूसरा श्लोक है कहते इसमें ये प्रतिज्ञा बा ये अभिधेय तत्व। अभिधेय मतलब क्या होता है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, उनको कैसे पा सकते हैं। और प्रतिज्ञा मतलब ये भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है। जैसे किसी बात को जब हम तीन बार बोल देते हैं ना, वो पक्की हो जाता है। इसलिए इसमें तीन प्रतिज्ञा, एक श्लोक में तीन प्रतिज्ञा आया है। इसलिए कहते जो धर्म प्रोजीत कई तब अत्र, अत्र मतलब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में क्या है, भागवत ग्रंथ में धर्म, अगर वास्तव धर्म कहीं पर है कहते केवल ये भागवत में, जिसमें संपूर्ण रूप में कपटता को संपूर्ण रूप में निकाल दी गई। यहाँ तक भी धर्म अर्थ काम तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसमें मोक्ष को भी यहाँ पर तुच्छ कर दी गई है। और जो दूसरा अत्र है विद्या वास्तव मत्र, इसलिए भागवत में जो वास्तव वस्तु को स्थापन किया गई। और तीसरा जो अत्र है सद्य हृदय अवरुद्ध तत्व। भाई भागवत कथा कितना महत्व है, जैसे यहाँ कथा हो रही है, अगर कोई घर में बैठा हुआ उनको पता चला दामोदर गौड़ी मठ में कथा हो रही है, अभी कथा में नहीं आई घर में बैठे हैं, अगर केवल मन में इतनी सी इच्छा आ जाए हम कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से ही भगवान उसका हृदय में आकर के ऐसे बंध जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति खुद को खुद एक घर को अंदर में जाए और अंदर से कुंडी लगा दे। ऐसे ही कृष्णा केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान उसका हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए ये जो श्लोक है प्रतिज्ञा, भागवत प्रतिज्ञा लेता है, क्या प्रतिज्ञा लेता है, बोले कोई चिंता मत करो, केवल आ करके केवल कथा सुन लो, वहां कथा सुनने की इच्छा मात्र कर दो तो क्या होगा, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रतिज्ञा भागवत लिया है, हैं? और अभिधेय मतलब क्या है, भगवत प्राप्ति की केवल अगर कोई उपाय है केवल ये भागवत कथा से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति होगा। और जो तीसरा जो श्लोक है कद ये प्रयोजन, जीवन का लक्ष्य क्या है। तीसरा जो श्लोक है इसको बताया आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब ये भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है। इसलिए भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब होता है जिसको नीचे बैठ करके जो चीज को हम कामना करेंगे, जो चीज को हम मांगेंगे, भागवत हमें सब इच्छाओं को ये पूरी कर देती है, ये भागवत है। लेकिन यहाँ पर सावधान करते हैं, ये भागवत सुन करके छोटी मोटी चीजों को मत मांगा करो, हैं? भागवत सुन करके ये सब इच्छाओं को पूरी करने वाले, हमारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो बेटा हो जाए, नहीं तो रुपया पैसा मिल जाए, बाकी संसार की हमें कोई वस्तु मिल जाए, कभी ये छोटी मोटी चीज को मत मांगा करो। ऐसे की चीज मांगो
जो एक चीज मांगो जो जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तो क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम को ही भागवत से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए भागवत नहीं कहते, ये कल्प वृक्ष बताया गया ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को। इसलिए बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरा रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत क्या? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। कहते एक में तो पका हुआ फल है और दूसरे में क्या है? बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। फिर ये फल को श्री सुखदेव गोस्वामी ने चोंच लगाया, इसलिए उसमें और ज्यादा मिठास आ गया। बोले और भी ज्यादा मिठास आ गया। बोले जो सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतकन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास। यदि ये सुखदेव गोस्वामी कोई तोता नहीं है, ये राधा रानी की निकुंज महल में रहने वाले, जिसको राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन करती थी, इसलिए राधा रानी का अधरामृत लगा हुआ श्री सुखदेव गोस्वामी का मुंह। इसलिए जब वहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन कथा सुने तो सुने किससे कथा? कोई 100 साल के, कोई 200 साल, कोई 5 साल के बैठे हुए थे, लेकिन कथा सुने तो किसकी मुंह से कथा सुने? श्री सुखदेव गोस्वामी से। बोले क्यों? बोले ये राधा रानी की ये प्रिय सुख, राधा रानी की ये प्रिय सुख, राधा रानी का अधरामृत उनकी थोंड में लगा हुआ, इसलिए वहां से उन्होंने कथा सुने। इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। बोले क्या करो? बोले पी बतम। कहते इसको खूब पियो, इसको खूब पियो। कहते पहले बोल दिया ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। कहते फल को पीते है ना, फल को खाते हो? बोलो फल को खाते हो ना, फल को पीते हो? खाते हैं, लेकिन यहाँ कहते पियो। कहते ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं। जब कोई चीज को पीते हैं किधर से पीते हो? किधर से पीते हैं? मुंह से पीते हैं। लेकिन अभी जब हम पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पी जाती। कहते मुंह से पीना कानों में पीने का क्या फर्क है? कहते मुंह में कोई भी चीज पियो ना, वो नीचे निकलेगा, हाँ उसको अंदर में रख नहीं सकते। मुंह से कोई भी चीज पियो, अंदर में रहेगा तो निकलेगा, लेकिन कानों से जो चीज पियो ना, वो कभी निकलेगा नहीं, वो अंदर में रहेगा। इसलिए क्या करो? इसको पियो। लेकिन कहते भैया पीते तो हो, निकल जाते हैं, क्यों? छेद है हमारे अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह, छेद ही छेद है, इधर पियो दूसरी तरफ में निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन कहते मुंह रहो रसिका भूमि भागु का, लेकिन कहते छेद को बंद कर दो, छेद को बंद कर दो। बोले भैया छेद को कैसे बंद करेंगे? छेद तो बंद होने वाले नहीं है, हैं? बंद होने वाले नहीं। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे कोई एक उदाहरण दिया, जैसे एक मटकी है, जैसे एक मटकी है और वो मटकी में छेद ही छेद मटकी में है, अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? और निकलेगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो, अगर पानी डालो ना एकदम नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। क्या उपाय है बताओ? एक मटकी है उसमें छेद ही छेद है, अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो, लेकिन निकलेगा नहीं। कहते अगर उसको पानी में डुबो दो ना, फिर भले ही उसमें जितने छेद हो, उसमें नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर कहते मुंह रहो, मतलब है कहते अगर हम इसको निरंतर पीते रहेंगे, निरंतर पीते रहेंगे कथा को, भले ही जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो, तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसका प्रमाण देखो, जैसे कथा में बैठे हो,
हम सभी को अंदर में काम है, सभी के अंदर में क्रोध है, सभी में लोभ मोह मात्र सभी को अंदर में, लेकिन अभी हमें कोई काम सता रहे हैं ना, कोई लोभ सता रहा है ना, कोई मोह सता रहा है, कोई कुछ सता रहे, कोई कुछ भी नहीं, भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए कहते हैं अगर हर समय हम भगवान की कथा सुनते रहे, उसमें डूबे रहे ना, ये काम क्रोध लोभ तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए बोले मोह रहो, हर समय इसमें डूबे रहो, उसमें निकलना नहीं, निकलते ही काम क्रोध देखना झट पकड़ लेगा, यहाँ से कथा से निकल जाओ, ये याद सारा दुनिया की चीज याद लग जाएगी। लेकिन जब तक कथा में बैठो तब तक कोई हमें किसी चीज को याद नहीं आती है। इसलिए कहते ये रस को कौन पी सकता है, बोले केवल दो व्यक्ति ये रस को पी सकते हैं, सभी नहीं पी सकते। कौन है? बोले रसिका और भावुका, रसिके और भावु, केवल ये दो व्यक्ति पी सकते हैं। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती ये रस को कौन पी सकते हैं? कत अति हरि कृपा जा पर हो ये, अति हरि कृपा जा पर, बोलो अति हरि कृपा जा पर हो ये, अति हरि कृपा जा पर हो ये, पाब गए हे आशा गत सोये, पाब गए हे आशा गत सोये, अति हरि कृपा जा पर हो ये, अति हरि कृपा जा पर हो। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोला राधे गोपाल भज मन धीराधे, राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, राधे राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन धीराधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन धीराधे, श्री राधे गोपाल भज मन धीराधे, जय जय राधे श्री राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे जय जय राधे, जय जय राधे अति राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन धीराधे, श्री राधे गोपाल भज मन धीराधे, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल,
वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री मंगलाचरण में पहला श्लोक है संबंध है, दूसरा श्लोक है अभिध है, और तीसरा श्लोक प्रयोजन। इसलिए जो तीसरा श्लोक ये आशीर्वाद दे रहा है हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो फल है ये गोपियों का प्रेम रूपी फल है, इसमें फल है। और उसमें जो रस है वो राधा कृष्ण का प्रेम रस ही उसमें रस है। इसलिए यद्यपि वो रस को सभी भक्तों ने पिया है, लेकिन ये पूर्ण रूप में रस को किसने पिया है, बोले ये ब्रज गोपियों ने। तो रस किया है बोले कृष्ण की अधर ही वो रस है। इसलिए कृष्ण की अधर को कौन पान करते हैं, ये ब्रज गोपी ही कृष्ण की अधर को वही लोग पान करते हैं। इसलिए भागवत का जो आशीर्वाद है, क्या आशीर्वाद है हम बाद में जाकर के सुनेंगे। जो उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव कौन है, पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। कहते भक्तों का अंतिम छोर उद्धव जी, इनसे बड़े भक्त जगत में कोई नहीं।
जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं न तथा मैं प्रियतम आत्मज्वनीर न शंकर हे उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो, मेरे पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, मेरे हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरे हृदय अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे ताऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, तू जितने मेरे प्रिय है। इसलिए ऐसे जो प्रिय व्यक्ति उद्धव वो क्या चाहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्यांग वृंदावन की मपी गुलमल तो। इसलिए उद्धव जी ब्रज गोपियों के चरण की धूल प्रार्थना करते हैं ब्रज में, यही भागवत का आशीर्वाद है। ये मंगलाचरण का 3 श्लोक में संबंध अभी तक ब्रज की बात बताई। अभी हमारे श्री बदन महाराज जी कुछ भागवत को ऊपर में कुछ कथा सुनाएंगे। श्री बदन महाराज ने जा मनोज कारपेट उठे दे से टेबल ऊपर अच्छे मोबाइल महाराज सब ठिया है कि कीर्तन कर लड़ी हो से सेला वाली में बढ़िया चली गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जाह्नवपतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणान्तिकम्। भक्त्या वेनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सूर्य किरण मत बैठा करो अभी रहा है। परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सड़ गोस्वामी पाद सबके चरण को अपने दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद व्यास आसन में उपविष्ट
पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणव वृंद की कृपा प्रार्थना करते हैं। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। तो ये पराग के समय में भागवत की कथा श्रवण करते हुए हम लोग को पूज्यपाद महाराज जी से मंगलाचरण की इस समय में जो काम करते हैं सब सिद्धि होता है। जो लोग बड़े बड़े मंत्र साधन करते हैं इसी समय में साधन होते हैं, इसलिए इसी समय में जो कुछ करेंगे उसका सिद्धि हो जाता है जो कुछ काम करेंगे। और इसलिए हम इसमें कीर्तन करने पर कीर्तन का सिद्धि हो जाता है। फिर हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। भागवत हमारी मूल ग्रंथ है, ये कल्प वृक्ष भागवत ये हमारी जीवन है, इसलिए इस समय भागवत कथा सुनना जीवन का सबसे इस समय जो कुछ करेंगे सूर्य ग्रहण में जो बड़े बड़े मंत्रों को सिद्धि प्राप्त कराना चाहते हैं मंत्र सिद्धि इसी समय में वो मंत्र को जप करते हैं तभी वो मंत्र सिद्धि प्रदान करता है। इसलिए हम लोग सूर्य ग्रहण में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, इसलिए हमारी क्या सिद्धि होगी? भागवत ही हमारी सिद्धि होगी। और भागवत का सिद्धि क्या है? अभी सुन रहे थे ब्रज प्रेम, ब्रज गोपियों की प्रेम, महाप्रभु ब्रह्मा की एक दिन में जो प्रेम देने के लिए आए थे यही भागवत प्रेम हम देने के लिए आए, ब्रज गोपियों की प्रेम। इसलिए हम लोग आज कथा सुन रहे हैं, मतलब सूर्य ग्रहण में कथा सुनने का बड़ा महत्व है। और भागवत कथा मैं हरिनाम संकीर्तन जगह और दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू तो भागवत की मंगलाचरण के बाद सुत महर्षि को शौनकादि मुनियों ने 6 प्रश्न किया था। 6 संवाद की समन्वित भागवत कथा भागवत है और उसमें 6 प्रश्न की जवाब में पूरा भागवत है। पहला प्रश्न में सुत मुनि को शौनकादि मुनि लोग पूछ रहे हैं कि ऐकांतिक श्रेय क्या है, और दूसरा प्रश्न बड़ा विचित्र है, क्या करने से आत्मा प्रसन्न होगी। तीसरा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के क्या क्या किए, और जितने सारी अवतार भगवान की है ये सारी अवतार के बारे में बताइए। और भगवान जब और तीसरा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि चौथा में पूछ रहे भगवान जब चले गए धर्म कलयुग, हाँ श्री कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गए, और ये 6 प्रश्न पूछने के बाद लेकिन बड़ा अद्भुत एक प्रश्न है कि कड़ो बस्मिन जुगे जना प्रायण अड़पाय उषा सभ्या कड़ा बस्मिन जुगे जना मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। प्रायण अड़पाय उषा, प्रायण बहुलार्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलयुग में अड़पायुष संपन्न होते हैं। सहज रूप में निर्धारित आयु से अगर परमायु 100 साल है फिर भी सारी लोग 100 साल नहीं बचते, 60 70 80 हो गया तो छक्का मार दिया बोलते हैं, हाँ 100 हो गया तो बाबा है उनको सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये प्रायण अड़पाय सभ्या कड़ा वस्विन जुगे जनाहा मंदाहा, कलि युग में लोग अगर जितना आयुष मिला उसमें परमार्थ साधन करने के लिए आलसाहा मंदाहा, राम नाम में आलसी भोजन में होशियार, राम नाम भगवान की श्रेय साधन करने के लिए परमार्थ वस्तु को संग्रह करने के लिए लोग यहाँ पर क्या है आलसाहा अलसाहा। तो लोग स्वार्थ हासिल करने के लिए पैसा कमाई करने के लिए अलसा नहीं है, किस प्रकार पैसा कमाई करेंगे मेहनत करेंगे
हर लोग मेहनत करते हैं पैसा कमाई करने के लिए, इंद्रिय तर्पण करने के लिए, लेकिन परमार्थ के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करते। हमारे परम गुरुदेव कहते थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कि धन साधन करने में लोग तो बहुत बुद्धिमान बनते हैं और धर्म साधन करने में बुद्धू बन जाते हैं। बिल्कुल ना मस्तिष्क खर्च करना, ना शरीर को लगाना, ना इंद्रियों को चालन करना, जैसे तैसे कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, बस शांति है। तो मंद हा सुमंद मतयो, और परमार्थ में मंद मति भी कमजोर दिमाग है। चंद्र पृष्ठ को जाने के लिए, मंगल ग्रह को आविष्कार कराने करने के लिए, क्या क्या करने के लिए तो दिमाग बहुत तेज से घूमता है और काम में लगाते हैं, लेकिन भागवत शब्द क्या है, भागवत शास्त्र क्या है, उसको समझने के लिए दिमाग बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे। और मंदा, अगर किसका मंद नहीं, आयुष्य भी पूरा, परमायु बहुत अच्छा मिला, और अलसा नहीं, उद्योगी है, और मंद मति नहीं, सुबुद्धिवान है, लेकिन उसमें कहते हैं मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य, लेकिन उसमें और एक अंतराय है श्रेय साधन करने में, परमार्थ भक्ति साधन करने के लिए, कि भाग्य किस्मत खराब है। मंद भाग्य के कारण जाना चाहे था सद्गुरु के पास, परंपरा के आचार्य के पास जाना चाहे था, जिनको जहाँ से सही ओरिजिनल वस्तु मिलेगा, लेकिन बेचारा वहाँ से सिद्धि रिद्धि प्रदान करने वाला कोई साधु कोई किसके पास चले गए, जो कि दिखाई देते हैं साधु, लेकिन प्रेय वस्तु प्रदान करेंगे, श्रेय वस्तु दे नहीं पाएंगे, तो ये दुर्भाग्य का बात है। मंद भाग्य, और किसका अगर सही है, अलसा नहीं, उद्योगी है, आयुष्य भी सही है, और तेज बुद्धि भी है, और वो सौभाग्यवान नहीं, दुर्भाग्यवान नहीं, सौभाग्यवान है, सही परंपरा में आए हैं, फिर भी श्रेय साधन करने में असुविधा क्या है, उपद्रवा, पराग जब आ गया तब निंद आएगी, हरि कीर्तन होगा करने के लिए दुख लगेगा, और यहाँ कुछ ना कुछ असुविधा आ जाएगी, तब उपद्रव आ जाता है। तो इसलिए सबसे उठ करके अगर कोई श्रेय साधन करना, कैसे आत्मा प्रसन्न होगा बताइए, तो सूत महर्षि जवाब दिए कि हाँ, आत्मा प्रसन्न होने के लिए एक तरीका क्या है, सबे पंस परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता यात्मा संप्रसेदति। अधोक्षज, भगवान कृष्ण की चरण कमल में अगर कोई भक्ति करे तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ये सब बोलने के बाद अभी सूत महर्षि को शौनकादि मुनि लोग ये प्रश्न पूछा कि बताइए भागवत को किसने रचना किया, और भागवत को किसने पाठ, भागवत को किसने श्रवण किया, भागवत को बताया किसने, यानी भागवत की वक्ता कौन है, भागवत की श्रोता कौन है, भागवत की रचयिता कौन है, किसने लिखा। तो भागवत की जो श्रोता है उन्होंने गर्भ अवस्था में ही भगवान कृष्ण को दर्शन किए, और भागवत की जो वक्ता है श्री शुकदेव गोस्वामी पाद, उन्होंने भी गर्भ अवस्था में भगवान को दर्शन किए, इसलिए दोनों महाभागवत है, दोनों भागवत है, भक्त भागवत दोनों। और व्यासदेव जी जिन्होंने भागवत को रचना किए, उन्होंने भगवान की सत्यावेश अवतार, उन्होंने प्रकट होने के बाद पराशर के सुत और व्यासदेव जी सत्यवती के पुत्र भगवान की सत्यावेश अवतार, लेकिन वेद को चार भाग किए, वेद को चार भाग करने के बाद में भी मन में संतुष्टि नहीं आया, वेदांत सूत्र रचना किए, बारह उपनिषद रचना किए, पंचम वेद महाभारत रचना किए, ये सब रचना करने के बाद में मन में उपपुराण सब पुराण सप्तदश पुराण रचना किए, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आया, खाली खाली लग रहा था, उदास थे। भगवान की कृपा से नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूछा कि पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मनः परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एववा। ये पराशर नंदन, आप क्या, आपका मन प्रसन्न क्यों नहीं इतना सब कुछ करने के बाद? बोले महात्मा जी, हे देवर्षि,
मेरा मन क्यों प्रसन्न नहीं, मैं तो आपको वही बात पूछने वाला था, इतना सब कुछ करने के बाद में भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा मन क्यों प्रसन्न नहीं है। लग रहा है कि इसी के द्वारा जगत का ज़्यादा मंगल विधान नहीं हो पाएगा, कलिहत जीव कुछ कर नहीं सकते, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो नारद जी ने उनको बहुत अच्छी सुंदर जवाब दिए और उनको समझाए, तदबाग विसर्गो जनता घ विप्लवो जस्मिन प्रतिश्लोको अवधवत अपि नामानि अनंतस्य जसोंकितानि श्रुणन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव नजत चित्रपदो हरेर जसो जगत पवित्रं प्रगृणीत करचित तद्वाय संतीर्थमृ संति मानसा न जात्र हंसा निरमंतु शिक्षया। कि कितना उपमा युक्त हो, कितना पद विन्यास हो, नजत चित्र पदो हरेर जसो, अगर भगवान की जस अंकित नहीं हुआ जो ग्रंथ में, तो जगत का मंगल नहीं कर सकता। लेकिन अगर तद्बाग विसर्ग जनता घ विप्लवो जस्मिन प्रतिश्लोक अवधवत अपि, हर श्लोक में भी सही शब्द विन्यास नहीं हुआ, अच्छा शब्द संयोजन नहीं हुआ, उपमा आदि अलंकार के द्वारा रहित भी है, लेकिन वो शब्द अगर भगवान की कथा को कि नामानि अनंत से जसोंकितानि, अनंत नाम भगवान कृष्ण के जस को अंकित करता है, तो ये कथा श्रृणंती गायंती गृणंती साधव, कि साधु लोग वैष्णव लोग वही कथा को श्रवण करेंगे। कथा अगर कोई बता रहे तो सुनेंगे, और श्रोता वक्ता की अभाव में उनको वैष्णव लोग स्मरण करेंगे, गुणगुण करेंगे। इसलिए हे नार हे व्यास देव जी, आप जानते हैं आपने सब कुछ तो रचना किया, लेकिन भगवान की मधुरमय लीला को तो रचना नहीं किया। कि आपने कभी किया क्या रचना कि जसोदा माँ ने रस्सी के द्वारा कृष्ण को बांध दिए दधि माखन चोरी करने के कारण, और नंद बाबा बता रहे कन्या मेरा ज्योति पादुका उठा करके लाओ तो कन्या उठा नहीं पा रहे, ब्रज गोपियों के साथ किस प्रकार कृष्ण ने लीला किया उसको आपने लिखा। इसलिए ये माधुर्यमय लीला नहीं लिखने के कारण आपका मन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कृष्ण की जितने सारी लीला है, सारी लीला में मधुरमय लीला ही, जो कृष्ण की विशेष लीला है मधुर लीला, वही ही भागवत की प्राण है। मुखार बिंदम दशमम प्रफुल्लम, ये मुखार बिंद है, प्रसन्न है, जिसमें विशेष करके पांच तीनों रस में वात्सल्य रस, मधुर रस और सख्य रस के बारे में वर्णन है। तो फिर नारद जी के इतना बात कह करके उन्होंने बड़ी उत्साह प्रदान किए, अपना बाल्य जीवन चरित्र को बताया कि मैंने खुद शूद्र घर में पैदा, ब्राह्मण के दासी के पुत्र, ब्राह्मण कन्या के, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन दासी के पुत्र में पैदा हुआ था लेकिन साधु वैष्णव की संग करके वैष्णव की कृपा से मैंने जिस प्रकार ये देव शरीर प्राप्त, देवर्षि शरीर प्राप्त किया, भगवान की हर समय कीर्तन करता हूँ, तो इसलिए व्यासदेव जी आप वार्धक्य होने पर भी आप लिख सकते, भगवान की कृपा से वैष्णव की कृपा से सब कुछ संभव है। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने समाधि अवस्था में गए, और समाधि अवस्था में उन्होंने देखा अवश्यम अपश्यम पुरुषम पूर्णम मायायात अपाश्रितम अपाश्रितम, कि तीन वस्तु को देखा, भगवान को और भगवान के शक्ति और उनके सारी लीला परिकर लोक, और अपाश्रितम माया को, बहिरंगा शक्ति माया को भी उन्होंने देखा, और जया सम्मोहितम जीवम, उसी माया के द्वारा जिस प्रकार सम्मोहित हुए जीव, माया ने अपना विक्षेपात्मिक वृत्ति और आवरणात्मिक वृत्ति के द्वारा किस प्रकार जीव को दुख देते हैं, ये सब उन्होंने देखा। और देखने के बाद
वेद व्यास जी ने फिर भागवत की रचना किया, समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होकर के कृष्ण की स्मरण करके उनकी लीला चरित्र को व्याख्या किया, जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। जस्यावै श्रूयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहम्। कि जस्यावै श्रूयमाणायं, जिसको श्रवण करने मात्र से ही, भागवत इसलिए श्रेष्ठ है, जगत में जितने सारे ग्रंथ है या कर्म मार्ग बोलो या जोग बोलो, इसमें केवल श्रवण करने से फल नहीं मिलता, चित्त शोधन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है उसको श्रवण करने के बाद कोई करना जरूरत है नहीं, आप केवल श्रवण कर लो। श्रवण मात्रे मुख्य उपाई कि सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी शुश्र सुविस्त क्षणात्। केवल श्रवण मात्र से ही, जस्या वही श्रूयमाणायम, केवल सुनने से। इसलिए जगत में जितना ग्रंथ पहले थे, आज जितना ग्रंथ है और बाद में आकर के जितना ग्रंथ भी होंगे, ये सारी ग्रंथ में ये श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी श्रेष्ठ है, ग्रंथ चक्रवर्ती है, पुराण सम्राट है, शास्त्र शिरोमणि, इसलिए क्योंकि श्रवण उनका साधन है, बाकी सबका क्रियात्मक रूप देना पड़ेगा, लेकिन भागवत श्रवण से ही फल मिल जाएगा। श्रुणोतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणी विधुनोति श्रुत सदाम। तबरे कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। केवल श्रवण करने से ही सारी अभद्र दूर हो जाती है, अनर्थ अपराध दूर हो जाती है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु और नित्यं भागवत सेवया। लेकिन ये कंडीशन है, आपको नित्य श्रवण करना पड़ेगा और नित्य भागवत श्रवण करे, भगवत उत्तम भगवती उत्तम श्लोके भगवान कृष्ण के चरण कमल में भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो ये भागवत की रचयिता व्यासदेव की कथा बोलने के बाद सुत महर्षि को, शौनकादि मुनि लोग, भागवत की जो श्रोता है, परीक्षित महाराज के बारे में पूछा, और परीक्षित महाराज के बारे में बोलने के समय तब तो फिर सुत महर्षि शुरुआत किए महाभारत की कथा कि जदा मृधे कौरव सृंजयाणं वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रुकोदरा विद्ध गदा भिमरस भग्ने रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयाणं, कौरव और पांडव के बीच में जब महाभारत युद्ध हुआ, अंतिम प्राय युद्ध महाभारत युद्ध के, सारी योद्धा कौरव पक्ष से चले गए, पांडव पक्ष से काफी चले गए, पंच पांडव बचे हैं, भगवान कृष्ण सात्यकी कृत वर्मा कृपाचार्य और अश्वत्थामा, इतने बाकी सब चले गए। रक्त नदी पर दुर्योधन ये जान भग्न अवस्था में गिरे है, अंधकार की निसार धराती में बिजली गिर रहा है, उसी समय कुछ अश्वत्थामा कृत वर्मा और कृपाचार्य जाकर के पहुंचे। अश्वत्थामा इस प्रकार दुरावस्था को, दुर्दशा स्थिति को देख करके दुर्योधन की, बोले मित्र आपकी हस्तिनापुर की राजसभा में आपकी जो जिस प्रकार अवस्था मैंने देखा था, इसी अवस्था को देख करके हमारे मन में बड़े ग्लानि है, आपको मैंने कितना बार बताया मुझे आप सेनापति पद में अभिषिक्त करो, लेकिन आपने किया नहीं, लेकिन मैं आप बच मरने से पहले मैं थोड़ा जान सकता हूँ आप किस में संतुष्ट हो सकते हैं, मैं कार्य करने के लिए प्रयास करूँगा। अश्वत्थामा की वचन सुनकर के दुर्योधन की, तथापि दुष्ट होने के कारण फिर भी बताए, देखो जब तक राजा जीवित है तब तक तो सेनापति पद में अभिषिक्त कर सकते, क्षत्रिय के अपना रक्त में
अश्वस्थमा को अभिषिक्त के सेनापति के पद पर देखो, हम लोग 100 भाई से 100 से 100 चले गए, पांडव 5 थे लेकिन इसमें एक भी गए नहीं। कोई एक पांडव मार सकते अश्वस्थमा, तो मैं खुशी होकर के ये शरीर को त्याग करूँगा। अश्वस्थमा को क्षत्रिय के अपना रक्त में दुर्योधन सेनापति पद में अभिषिक्त किए और अश्वस्थमा कृत वर्मा कृपाचार्यों को लेकर के 5 पांडव को मारने के लिए चल पड़े। लेकिन युद्ध विजय होने के बाद भगवान कृष्ण जानबूझ करके सारी पांडव को वैष्णव के पास ले गए थे, लेकिन पांडव की शिविर में द्रौपदी की 5 पुत्र शयन कर रहे थे। उसी समय अश्वस्थमा वहां पर चले गए मारने के लिए। एक उल्लू, क्या बोलते हैं उसको, उल्लू कौवा की 5-5 बच्चे को मार रहा था, उसको देख करके उनको गुरु बना दिए। अश्वस्थमा अंदर चले गए, लेकिन उसी समय कृपाचार्य बोले ये धर्म की युद्ध है, रात में शिविर में प्रवेश करके मारना ये अच्छा नहीं है। लेकिन अश्वस्थमा ने बताया, देखो धर्म को द्वाहिद बहाना बनाने के कारण आज हमारे मित्र दुर्योधन की ये दुर्दशा है, हम नहीं सुनेंगे, आज हम अधर्म ही करेंगे। अंदर प्रवेश किए और द्रौपदी की 5 पुत्र के मस्तक को काट करके ले आए और दुर्योधन को दे दिए। बोले मित्र देखो 5 पांडव का मस्तक ले आए। लेकिन दुर्योधन बड़े प्रसन्नता के साथ जब बोले भीमसेन के मस्तक को दे दो, और भीमसेन के मस्तक लेकर के जब उन्होंने दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया, तो रोने लगे दुर्योधन। बताया अश्वस्थमा ने तुमने सारी बर्बाद कर दिया, अरे ये पांडव नहीं है, ये लोग पांडव के 5 पुत्र है, तुम हमारे कौरव वंश को भी विनाश कर दिया। अश्वस्थमा मैंने बोला था 5 पांडव को मारने के लिए, मेरा 52 भार की गदा जब गिरता था तब वीर भीमसेन की मस्तक बिल्कुल टसमस नहीं होता था, और आज इस प्रकार ये 5 पांडव के पुत्र है, तुमने हमारे वंश को भी मार डाला। रे कौर पांडव होने पर भी सब कुरुवंश है। बड़ी दुखी हो गया दुर्योधन को अभिशाप था कि वो जब दुख और सुख एक साथ की चरम सीमा में पहुंच जाएंगे तब वो प्राण को छोड़ेंगे। दुर्योधन मर गया। और उधर निषार्ध की काल रात्रि चला गया, उजाला हुआ निशा, जब सुबह हुआ द्रौपदी शिविर में प्रवेश किए और देखा तो 5-5 पुत्र जिनका मस्तक ही नहीं है, और द्रौपदी रोने लगे, बहुत दुखी हो गई। द्रौपदी इतना दुखी नहीं होती अगर 5 पुत्र महाभारत युद्ध में अगर मरते, निष्पाप शिशु शयन किए थे, उसी समय में 5-5 पुत्र की मस्तक कोई दुर्वृत्त ने काट के ले गया, समझ नहीं पाए, रोने लगे। द्रौपदी का क्रंदन सुन करके जब केशव कृष्ण और 5 पांडव शिविर के अंदर आए, ये दुर्दशा को देख करके और द्रौपदी का क्रंदन सुन करके अर्जुन रहा नहीं गए। अर्जुन ने शपथ किए, देवी मैं शपथ करता हूँ आज तुम्हारे पुत्र की सूर्य उदय को जिसने दर्शन नहीं कराया, मैं शाम तक सूर्य अस्त तक उनकी मस्तक ले आऊंगा, और आप उनकी मस्तक के ऊपर खड़े हो करके आप अपने पुत्रों की तर्पण करना। तो अश्वस्थमा चले गए। अर्जुन बोले प्रभु केशव आप चलिए, हम उसको ढूंढेंगे जरूर। तो पता चल गया अश्वस्थमा ये कांड किया, तो उन्होंने अश्वस्थमा को पीछा किए। अश्वस्थमा को जो पता लग गया कि अर्जुन आ रहे, तब तो फिर मरता क्या नहीं करता, अर्जुन को देख करके रथ के पीछे, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के बाद अर्जुन समझ नहीं पाए ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अस्त्र आ रहा है। तब तो भगवान को ब्रह्मास्त्र ऐसा है तो कोई प्रयोग करने से पहले संकल्प करना पड़ता है, पवित्र होकर के स्नान करके कितना ध्वंस करेंगे, कहाँ ध्वंस करेंगे, क्या करके वापस आएंगे। लेकिन अश्वस्थमा को तो कुछ भी पता नहीं था, बिना स्नान किए भी बिना पवित्र हुए और छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, पूरा भस्म कर देगा विश्व ब्रह्मांड को। लेकिन अर्जुन ने भगवान के शरणापन्न हुए, कृष्ण कृष्ण महावाहो भक्तानम अभयंकर त्वमेक दह्यमानानम
अपवर्गोशी संस्कृत है। हे प्रभु आप ही हमारे शरणागत हो, अब बताए मैं अभी क्या करूँ, ये क्या आ रहा है। बोले अश्वक अर्जुन ये अश्वस्थमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, तुम भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो और दोनों अस्त्रों को निरसन कर दो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया अर्जुन और निरसन कर दिए, पकड़ लिए पशु को जैसा पकड़ते हैं इसी प्रकार रथ में बांध दिए, शिविर में ले आए। अस्वस्थ माँ को लेकर के जब शिविर में लाए, द्रौपदी के भगवान बोले अर्जुन तुम मारते क्यों नहीं, पकड़ते क्यों, बांधते क्यों, मारो ना। फिर उन्होंने देखा कि क्योंकि अर्जुन महाभाग है, अपना गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र होने के कारण उन्होंने मार नहीं पाए, गुरुदेव की आत्मा जो है, गुरुदेव की बात याद आ गया, उन्होंने बांध दिए। और उन्होंने देखा कि भगवान ही उसी प्रकार आदेश नहीं देते जिसी प्रकार भीष्म पितामह को मारने के समय इसी प्रकार आदेश दिए थे। बोले प्रभु शिविर में युधिष्ठिर महाराज है, द्रौपदी है, ये लोग जिस प्रकार निर्णय लेंगे उसी प्रकार मारेंगे, हम मारना क्या जरूरत है। तब तो ले गए द्रौपदी, लेकिन इसी प्रकार सती साध्वी है, उन्होंने गुरुपुत्र को देख करके सहन नहीं हुआ। उन्होंने बोले अर्जुन आप उनको क्यों लाए, छोड़ दीजिए, मुच्यतांग मुच्यतांग येष ब्राह्मण नितराम गुरु, कि ये ब्राह्मण है और विशेष करके आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र है, और उन्होंने अगर मारा भी है तो भी उनको मारने से अगर हमारे पुत्र शोक पुत्र का जीवन वापस आ जाएगा तब फिर आप उनको मार डालो, बंधन सहन नहीं होता। और बोले अर्जुन ये लोग क्षत्रिय होकर ब्राह्मण होकर के भी अपना धर्म को छोड़ दिया, अपना धर्म को चाहे रक्षा नहीं किए, लेकिन हमारे वंश परंपरा में क्षत्रिय कुल में कोई भी ब्राह्मण को मारे नहीं, कोई भी ब्राह्मण का धर्म हमारे अपना धर्म को हम लोग कभी त्याग नहीं किए, ब्राह्मण को पूजन किए, ब्राह्मण की सम्मान किए, आज मारना अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए। तब अर्जुन को बोले देखो अगर मारने के बाद मैं जितना मैं क्योंकि पुत्र शोक क्या होती है मुझे पता है, अभी अभी 5 पुत्रों को हराने के बाद हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शोक है, मैं माँ होने के कारण जिन द्रोणाचार्य को देख द्रोणाचार्य के मरने के समय भी अस्वस्थ माँ को देख करके कृपी ने जीवन नहीं दिया था, सती नहीं हुआ था, अस्वस्थ माँ के लिए बच गया था, इसलिए इसी अस्वस्थ माँ को आप मार डालोगे तो कृपी के अंदर भी उसी प्रकार ही दुख होगा, इसलिए अस्वस्थ माँ को मत मारो, छोड़ दो। उसमें युधिष्ठिर महाराज भी राजी हो गए, नकुल सहदेव राजी हो गए, भीमसेन बोली लेकिन बोले क्या अबलाय के नारी निष्पाप शिशु को बद्ध करने वाला आतताई को बिना मारे छोड़ देगा, अर्जुन बिना मारे इधर लाते लाए क्यों तुम। तो उन्होंने आ गए बोले इसको मारना ही हमारे गुरुदेव की मंगल करना होगा, क्योंकि ये मारे 2:30 तक था ना, 2:30 ना, हाँ ठीक हो। तो उन्होंने फिर भीमसेन आगे आगे बोले तुम अगर छोड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब द्रौपदी आगे आगे कि आप उनको छोड़ दो, तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए और दोनों हाथ में द्रौपदी को उन्होंने रोक दिए और बोले अर्जुन ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतताय बधारहण मयेव उभयात्मानं पारिपायु अनुशासनं। ब्राह्मण अगर जो आतताई है कोई भी क्यों न हो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों नहीं किया तो उनको मारना नहीं चाहिए। तो भीमसेन बोले अगर ब्राह्मण आतताई बन जाए तब तो फिर बोले हमारे शिष्य है अर्जुन तो उन्होंने गीता ज्ञान पूरा लिया है और जरूर सब कुछ ठीक जानता है, सब कुछ ठीक कर लेगा। तो उन्होंने बताया अर्जुन आपने कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्यम संतो यतं प्रियम प्रियम स भीमसेनस्य पांडवानं, कि पांडव लोग का प्रिय साधन करो, द्रौपदी जो बता रहे उनके बात को पालन करो, आप अपना संकल्प रक्षा करो और भीमसेन का वचन को भी पालन करो, भीमसेन की इच्छा को भी पालन करो। तो भीमसेन बोले कि क्या करेगा वो, मैं तो बोलता हूँ कि उनको छोड़ दो, ये उनको मारो। द्रौपदी बता रहे कि छोड़ दो और आप बता रहे हो कि सबका वचन पालन करेगा, किस प्रकार होगी। तब तो भगवान कृष्ण की इच्छा से कृष्ण के आदेश से अर्जुन उनको ले गए और अश्वस्थमा की मणि को हरण किए, तीर पर
उनका तलवार पर मस्तक को आधा आधा मुंडन कर दिए और धक्का देकर के राज्य से बाहर कर दिए। ब्राह्मण का धन हरण करके धक्का देकर बाहर कर देना मतलब कि मृत्यु के साथ समान है, तो मृत्यु दंड हो गया, यानी भीमसेन की वचन रक्षा हो गया। और द्रौपदी बोले थे मुच्यतांग मुच्यतांग, ऐसा उनको खुला भी छूट दिए, और इसलिए अपना संकल्प भी रक्षा हो गया। उन्होंने ला करके सशरीर मस्तक के साथ ही द्रौपदी को उन्होंने समर्पण किया था। इस प्रकार द्रौपदी लेकिन मरने के इस प्रकार अपमान को सहन कर नहीं पाया, अस्वस्थ में पांच पांच ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन भगवान पंच पांडव को बिना मारे ब्रह्मास्त्र को अपना लिए और उत्तरा को एक लक्ष्य करके, जो पांडवों का अंतिम वंशधर थे उनको लक्ष्य करके उन्होंने छोड़ा, और उत्तरा ने भगवान की शरणापन्न हो गए और भगवान गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में स्थित अपना भक्त परीक्षित महाराज जी को बचाया, सुरक्षा प्रदान किए और परीक्षित नाम हो गया। क्योंकि जब उन्होंने भगवान गर्भ में प्रवेश करके गदा घुमा करके और बाहर चक्र के द्वारा चार आयुधों का प्रयोग करके परीक्षित महाराज को बचाए, और परीक्षित महाराज जी जब जन्म लिए तब गर्भ अवस्था में उन्होंने दर्शन किया था, बाहर जब आए सब जगह परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। तो इस प्रकार बोल परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। आगे की कथा आगे सुनेंगे। बलवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कितना बजे तक ग्रहण था? हो गया ग्रहण तो पूरा हो गया, कुछ खा भी लो, कुछ खा भी लो, ग्रहण तो हो गया। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Thank you.
जय श्री श्री गुरु गौरांग गंगाधर विकारी श्री 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 राधा दामोदर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। ओम विष्णुपाद।